चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जीएसटी का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों पढ़ना है, जीएसटी को पढ़कर हम कहां तक पहुंच सकते हैं, और ये जो कोर्स आपका है ये लगभग होगा 120 से 150 घंटे का। तो ये जो कोर्स है ये सबसे बड़ा कोर्स होने वाला है जीएसटी का, तो आपको पेशेंसली सुनना है। सर 150 घंटे का कोर्स? जीएसटी का कोर्स तो 20 से 40 घंटे का बहुत होता है, 50 घंटे का बहुत होता है, आप 150 घंटे में ऐसा क्या करा दोगे? तो मैंने कहा भैया बात सुनो, अभी मैं आपको कोर्स का कंटेंट दिखाऊंगा कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या करेंगे, और अगर आपको ये लगता है कि ये 150 घंटे की जगह 40 घंटे में हो जाना चाहिए तो आप 40 घंटे में कर लेना। और हमारे इस कोर्स का जो कंसेप्ट है वो कोर्स का कंसेप्ट हमारा कंप्लाइंस नहीं है, क्योंकि कंप्लाइंस तो जीएसटी में अब डिक्लाइन फेज पर है। 2017 से लोग बाग कंप्लाइंस करते आ रहे हैं, ठीक है ना, 2020-21 आ गया, तो हमारा पर्पज रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स का नहीं है। तो सर क्या पर्पज है आपका? सर हमारा पर्पज है जीएसटी में कंसल्टेंसी का, हमारा पर्पज है जीएसटी में एक्सपर्ट बनने का, हमारा पर्पज है लिटिगेशन का, हमारा पर्पज है जीएसटी में कुछ नया करने का। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको ये मिनिमम, ठीक है ना, 150 घंटे का कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप में सामर्थ्य है तो इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज हम बात करेंगे टैक्स की। इसमें से कुछ चीज़ें जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा ये तो हमें पहले से ही पता है, तो भैया हो सकता है तुम्हें पहले से पता हो, बाकी लोगों को ना पता हो, क्योंकि भाई ये वीडियो तो हमने पूरे ऑल इंडिया बेसिस के लिए बनाई है, तो आप उनका भी ख्याल रखना, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने का, मतलब जो जीएसटी पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि ये चीज़ तो हमें पता है तो हम दोबारा क्यों सुने, और अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा हाई स्पीड में सुन लेना, जिससे कि, क्योंकि बनानी तो मुझे ज़रूर है सारी चीज़ें। तो पहली हम बात करते हैं टैक्स की कि भाई ये टैक्स क्या है, ये क्यों लगता है। तो भाई देखो टैक्स जो है ये तो आपको पता है गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन मेरा मानना ये है टैक्स गवर्नमेंट के अलावा भी कोई और भी लगाता है। कोई एग्जांपल दोगे कि जो टैक्स गवर्नमेंट के अलावा भी कोई और लगाए? सर टैक्स तो गवर्नमेंट ही लगाती है, कोई और कैसे? अभी गर्मियों का मौसम है, आपने सूरज को देखा है? गली वाला सूरज नहीं, ठीक है, आसमान वाला सूरज, ठीक है, सूर्य देवता, सूर्य देवता भी आपसे टैक्स लेते हैं। कैसे लेते हैं टैक्स आपसे बताओ? पानी को सोखते हैं। तो जब सूर्य देवता पानी को सोखते हैं तो कहां से सोखते हैं पानी? समुद्र से सोखते हैं, यानी नदियों से, नालों से, आपके शरीर से, ग्लास में पानी रखा वहां से भी सोख लेते हैं। तो जब टैक्स की बात हुई तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि भाई टैक्स कैसे लगाया जाए, या भगवान राम जब टैक्स की लगा रहे थे, भरत से पूछा गया भाई टैक्स कैसे लगा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि भाई टैक्स लगाने के लिए एक पुराना धुआं है, सूरज की तरह टैक्स लगाना। कैसे लगाना जी? सूरज की तरह। तो सूरज की तरह टैक्स क्या है? बरसत हर्षत लोग सब करसत लखेन कोई। इन्होंने कहा कि भाई जब कर जो बनाना है, जो टैक्स लगाना है, वो कुछ इस तरीके से लगाना है जैसे सूरज लगाता है। सूरज कैसे? कि जब सूरज पानी को सोखता है समुद्र से, नदियों से, नालों से, आपके शरीर से, क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि सूरज ने टैक्स ले लिया। तो जब भी किसी से टैक्स लगाया जाए तो इस तरीके से लगाया जाए जैसे सूरज ने टैक्स लगाया, सबसे पानी ले लिया। लेकिन जब सूरज बरसात करता है तो बरसात कहां पर करता है? क्या हर जगह बरसात कर देता है? नहीं, जहां पर उसकी जरूरत होती है, जहां पर कम दबाव होता है, वहां पर वो बरसात कर देता है, खेतों में, खलियानों में, जहां पर ज्यादा गर्मी हो रही है, तो लोग खुश हो जाते हैं या नहीं हो जाते? इसी तरीके से टैक्स लगना चाहिए कि जब ये लगे तो किसी को पता ना चले, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐसा है,
जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐसा है कि जब आपने चाय वाले के पास चाय पी या कोई सामान खरीदा, आपको पता नहीं लगा कि टैक्स लग गया, ठीक है, लेकिन जब आपने रोड्स बनाई, रोड्स पे चले, तो आपको लगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स ने लगाई। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भी राजा हो उस राजा को कैसा होना चाहिए भैया, सूरज जैसा, भानु जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका इन्होंने मीनिंग लिखा है। तो जब भी हम टैक्स की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स कैसे लगाना चाहिए तो आप किसका एग्जांपल दोगे, सूरज का, कि सूरज की तरह टैक्स होना चाहिए। आज का जीएसटी ऐसा है या नहीं वो तो जब हम जीएसटी पढ़ लेंगे तो ही पता लगेगा, ठीक है ना, क्लियर हुई ये वाली बात। तो पहला हमने इस धोए से अपने इस जीएसटी की शुरुआत करी। एक दूसरा और है, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स लगाने का जो सिस्टम है वो 5, 10, 50 साल पुराना नहीं है। टैक्स लगता आ रहा है सदियों से, और सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही। कल को अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है भाई, गवर्नमेंट के अलावा कोई और टैक्स लगा रहा है क्या, ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा इंटरव्यू में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछते। लेकिन आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से कल को आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, आपसे पूछने लगे, तो आपको पता ना आजकल तो सब लोग दोहों में या इतिहास में जा जाके जवाब देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि सूरज की तरह टैक्स होना चाहिए पृथ्वी पर, ठीक है, जो टैक्स लग रहा है वो गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी लगा रहा है। एक दूसरा दोहा, ये क्या है, भगवान राम ने, ठीक है, जब भरत से पूछा कि भाई टैक्स जो तुमने लगाया ये कैसे लगाया, आप जरा बताओ, तो उसे एक दोहे में प्रो दिया। क्या बोला इस दोहे में, मणि मणिक महंगे किए सस्ते तृण जल नाज, मणि मणिक महंगे किए सस्ते तृण जल नाज। मतलब कि जब टैक्स लगा रहे हो भाई तो उसमें किस चीज को महंगा कर दो, हीरे जवाहरातों को, और सस्ता क्या कर दो, खान पान की जो जरूरत की आइटम है, उस तरीके से आप टैक्स लगाओ। हमारा जो जीएसटी होता है उसमें भी यही चीज फॉलो होती है। अगर आपको पता हो तो जो भी महंगी चीजें होती हैं जैसे लग्जरी कार्स वगैरह, उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स होता है, और जो जरूरत की चीजें होती हैं उस पर कम रेट ऑफ टैक्स होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये जो कर की प्रक्रिया है तो ये आज से नहीं है, ये कब से, पुराने टाइम से, ठीक है, क्लियर हुई है वाली चीज। तो इस दोहे से हमें ये पता लगता है कि जो टैक्स का सिस्टम है, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 28% टैक्स लग रहा है जीएसटी में गाड़ियों के ऊपर और अनाज के ऊपर लगता है 5%, ठीक है, या एग्जेम्प्ट होती है, ऐसा क्यों होता है, तो आप बताना भैया ये परंपरा मोदी जी ने नहीं चलाई, ये तो किस कहां से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, कि जब भी कभी किसी का बजट आता है तो वहां पर लिखा रहता है मणि मणिक महंगे किए सस्ते तृण जल नाज, तुलसी अते जानिए राम गरीब नवाज। बजट ऐसा आना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति खुश हो जाए। तो आप जब गाड़ी परचेज करने जाओ और आप पे 28% जब जीएसटी लगे तो डरना मत, ठीक है, यह परंपरा सिर्फ मोदी जी ने नहीं चलाई, ये परंपरा सदियों से है, क्लियर है, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, हाँ। तो इन दो दोहों से हमने समझा कि एक अच्छा राजा, क्योंकि हो सकता है कल को आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ किसी स्टेट के, ठीक है, और जब आप जीएसटी लगे, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए, उन्हें एग्जांपल दो, ठीक है, या आपसे कोई जनता सवाल पूछने लगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे घर पे भी पूछे जा सकते हैं। भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे तो मदर भी मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछती है कि कपिल बताइए इस पे 28% टैक्स क्यों है, इस पे 5% क्यों है, तो मुझे ऐसे एग्जांपल्स दे दे के उन्हें बताना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई टैक्स है क्या, ठीक है, तो टैक्स सिर्फ मोदी जी नहीं ले रहे, कभी मोदी जी का नाम बदनाम, सूरज भी टैक्स ले रहा है। और महंगे होने का कारण क्या है कि भाई जो व्यक्ति जितना टैक्स दे सकता है, भाई जो सक्षम है उससे टैक्स लो, जो महंगी गाड़ियां ले रहा है इसका मतलब उसने अपना सर्वाइवल तो कर ही रखा है, तो उससे टैक्स लो, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं कि भाई टैक्स है क्या,
तो हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। कभी आपको लग रहा हो कि बहुत लंबी क्लास इसमें चलेगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा पता होना आपको चाहिए। तो भाई टैक्स है क्या? टैक्स क्या है? मनी डेट पीपल हैव टू पे। यहां पे वर्डिंग क्या है? हैव टू पे। आप ना मेरे साथ थोड़ा सा शब्दों पे गौर कीजिएगा, हम सारा गेम शब्दों का ही है, ठीक है ना। तो यहां पर वर्ड हैव टू पे मतलब मजबूरी है। क्या ये मजबूरी है? इच्छा नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि यहां पर साईं बाबा का मंदिर है, ठीक है, कि भाई इच्छा है तो जमा कर दो, पैसे दे दो, इच्छा नहीं है तो मत दो। ये क्या हैव टू पे? तुम्हारी मजबूरी है। ये कोई वॉलेंट्री पेमेंट या डोनेशन नहीं है कि हम नहीं देंगे, हमारा मन नहीं कर रहा। जैसे होता है ना, घर पे आ गए, हाँ जी राम मंदिर की पर्ची के लिए आ जाओ, गली में जागरण है जी उसके लिए आ जाओ, चंदा दे दो। ये चंदा नहीं है, ये क्या है? मैंडेटरी पेमेंट है। क्या जी? मैंडेटरी पेमेंट है। अब जब ये मैंडेटरी पेमेंट है तो सबको देनी है। अब मुकेश अंबानी कहता मैं क्यों दू, मुकेश अंबानी कहता है मैं क्यों दू। मैंने कहा भाई क्यों दू, क्यों देना चाहिए मुकेश अंबानी को टैक्स? देना चाहिए क्यों देना चाहिए? नहीं भाई, इस चीज को भी समझो। कल को मुकेश अंबानी कह सकता है कि भाई मैं क्यों दू टैक्स, क्योंकि क्या वो गवर्नमेंट की कुछ चीजें यूज करता है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की चीजें मुकेश अंबानी यूज करता है या एक जनरल पब्लिक यूज करती है? जनरल पब्लिक यूज करती है। तो सर मुकेश अंबानी के सामने क्वेश्चन आ गया, उसने कहा मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो पैसा जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, गवर्नमेंट इस पैसे को लेती है, जैसे सूरज ने लिया था, ठीक है ना, और फिर बरसात करी थी हर जगह पर जहां पे जरूरत थी। तो जहां जहां जरूरत है गवर्नमेंट क्या करती है? हॉस्पिटल बनवा देती है, स्कूल्स बनवा देती है, डिफेंस का सिस्टम बना देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक एनफोर्स बर्डन है हमारे ऊपर जो हमें देनी है। अब अंबानी कल को ये कहने लगे कि मैं तो हॉस्पिटल में जाता ही नहीं। अंबानी क्या एम्स में जाके इलाज कराता होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, उसके बच्चे क्या पढ़ते होंगे गवर्नमेंट सीनियर स्कूल, उसमें पढ़ते होंगे? नहीं, बोलो। क्या उसे मुंबई पुलिस सपोर्ट करती होगी या उसके खुद के सिक्योरिटी गार्ड होंगे? तो वो तो कह रहा मैं तो ये कोई सर्विस लेता नहीं, तो मैं तो टैक्स दूंगा नहीं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी मिली जिसमें विस्फोटक था। अगर यहां पर गवर्नमेंट उसे डिफेंस की सर्विस ना दे, पुलिस की सर्विस ना दे, तो कोई भी आके सीधा कनपट्टी पे रख देगा। अंबानी के कितने सिक्योरिटी गार्ड रख लोगे तुम, बोलो? तो भाई अंबानी को भी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस ले या ना ले। अगर इस कंट्री में रहता है तो टैक्स देना पड़ेगा, ये उसका दायित्व है, ये इसका दायित्व है। और सबसे ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो देने के लिए सक्षम है। क्योंकि जो व्यक्ति देने के लिए सक्षम ही नहीं है, हम उससे टैक्स लेंगे भी नहीं। एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चला रहा है। अब भाई जब वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, कितने रुपए कमा रहा है वो डेली के? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। तो भाई अब वो टैक्स देगा या अपना सर्वाइवल करेगा? तो गवर्नमेंट कहती है इसे छोड़ो, लेकिन अंबानी को पकड़ो। तो कभी भी जब तुम्हारे से टैक्स ज्यादा लिया जाए तो तुम्हें खुश होना है, ठीक है? खुश क्यों होना है भाई? आप समझो ना, आप उसके लिए सक्षम हुए तभी तो आपको दे रहे हो टैक्स। और अगर आपको टैक्स से बचना है तो कमाना ही छोड़ दो, कमाना ही छोड़ दो ना, टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो कोई मेरे से पूछता है कि टैक्स बचाने का तरीका बताओ, मैं कहता हूं कमाना ही छोड़ दे, बिजनेस बंद कर दे, टैक्स लगेगा ही नहीं, या सारा का सारा डोनेट कर दे। सबसे बेटर टैक्स प्लानिंग तो यही है ना भाई। आज अगर लेट सपोज मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मैं 1 लाख के हिसाब से टैक्स दे रहा हूं। 20,000 कमाता तो शायद टैक्स नहीं देता। तो क्लियर हुआ टैक्स लगता क्यों है? तो टैक्स जो है ये कोई दान नहीं है, ये क्या है? मैंडेटरी है। किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट खर्च करेगी। वो बात अलग है कि समुंदर जो है अगर वर्षा कर रहा है, ऐसी जगह वर्षा कर रहा है जहां पे जरूरत ही नहीं है, तो अब कर क्या सकते हैं? रोक तो सकते नहीं, राजा को चेंज ही कर सकते है ना, राजा को चेंज ही कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को खर्च कहां करना चाहिए? हॉस्पिटल, स्कूल्स, डिफेंस, जहां जहां उसकी
जरूरत हो, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, खर्च कर देती है इलेक्शन में, है ना, खर्च कर देती है इलेक्शन में अपने पंपलेट में, है ना, प्रचार में देख रहे हो ना कितना खर्च होता है, ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो वो गलत है, वो उसका क्या है, मिसयूज है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें, कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लोग बाग पैसा ज़्यादा कमाने ही नहीं चाहते, पैसा अगर ज़्यादा कमा लिया तो करेंगे क्या भाई, स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं, सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है हमारे लिए, तो उतना पैसा कमाओ जितने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा कमा के कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में अलग है, हिंदुस्तान में तो जो व्यक्ति कोरोना में रहा है उसे पता है कि पैसा अगर तुम पे था तो सर्वाइवल हो गया, जिस पे पैसा नहीं था तो उसे ज़्यादा दिक्कतें आई है। वो कहता है पहले पैसा कमा ले क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, किस लिए पैसा कमा रहे हो, इसीलिए तो कमा रहे हो, पैसा क्यों कमाते हो तुम, कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा इसलिए पैसा। लेकिन अगर आज आपको एजुकेशन अच्छी मिलने लग जाए, आज आपको हॉस्पिटल्स अच्छे मिलने लग जाए, तो हो सकता है तुम भी पैसे के पीछे इतने पागल ना हो कि क्राइम करने लग जाओ। आजकल हिंदुस्तान में बहुत लोग पैसा कमाने के लिए क्राइम कर रहे हैं, क्राइम इन द सेंस इलीगल मनी कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा इसके लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ी करना है, हमें तो GST फंडना है। क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो दो टैक्स होते हैं, आपको पता ही है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। GST हमारा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, इसे पहले बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर इनकम टैक्स को, भाई जिसकी जितनी इनकम उससे उतना टैक्स ले लो। अगर इनकम किसी व्यक्ति की 5 लाख है तो छोड़ो यार, 5 लाख रुपए में तो महंगाई इतनी है, वो घर का खर्चा चला ले, वही बहुत है, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जिसकी 50 लाख है तो 30% टैक्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रोग्रेसिव इन नेचर। एक होता है रिग्रेसिव इन नेचर, जो हमारा GST है, वो कहता है सब कुछ एक समान। अगर किसी ने मोबाइल परचेज करा, ठीक है, चाहे वो रिक्शा वाला था चाहे वो मुकेश अंबानी, तो उस मोबाइल पर GST उतना ही आएगा। अब मुकेश अंबानी भी तो टूथब्रश करता होगा, ठीक है ना, क्लोजअप अगर रिक्शा वाले ने खरीदी तो GST उतना ही रिक्शा वाले से ले जाएगा और उतना ही अंबानी से। तो इसका मतलब यह है गवर्नमेंट छोड़ती किसी को नहीं है, रिक्शा वाले से भी टैक्स ले लेती है, लेकिन उससे कौन सा नहीं लेती, डायरेक्ट नहीं लेती, क्या लेती है, इनडायरेक्ट। तो दायरा किसका बड़ा हुआ, डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट टैक्स का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, यहां पर इसको बहुत बड़ा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 135 करोड़ लोगों को इंपैक्ट करता है, समझ रहे हो, जबकि डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होता है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये होता है कि भाई सिंपल जैसे इंजेक्शन होता है ना, कि जिस व्यक्ति को लगा रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को लगा रहे हैं उसी को दर्द हो रहा है, हमने अपनी जेब से देना है, ठीक है, इनकम मेरी हुई 10 लाख तो मुझे देना है, अपने आप से ही देना है, तो मुझे इसका बर्डन मुझे बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो बर्डन होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को देना होता है, ठीक है ना, अल्टीमेट कंज्यूमर को देना होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं यहां पर, वो तो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, किसके एजेंट है वो, गवर्नमेंट के, कि भाई लिया टैक्स और गवर्नमेंट को दे दिया। अब जैसे आपने हमसे पेन ड्राइव ली, या आप हमारे साथ यहां पर बैठे हुए हो, तो हमने क्या बोला, 10,000 रुपये तो GST की फीस और 18% उस पर GST। अब ये जो 18% GST है, सर आप 18% GST मत लो हमसे, अब भाई मेरी जेब में थोड़ी जा रहा है ये 18%, मेरी जेब में थोड़ी जा रहा है, वो तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर तलवार लटका रखी है कि भाई कपिल जैन, ठीक है ना, तुम 18% GST कलेक्ट करोगे बच्चों से और हमें जमा करोगे। अगर गवर्नमेंट मना कर दे कि एजुकेशन पे GST नहीं लगेगा, तो ना मैं कलेक्ट करूंगा तुमसे, ना मैं गवर्नमेंट को दूंगा, क्या उसमें मुझे कुछ बचत हुई क्या, हाँ, तो यहां पर तो मैं क्या हूं, सिर्फ एजेंट। तो कभी भी बिजनेसमैन को इनडायरेक्ट टैक्स से कभी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हल्ला तो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन ही करता है, तो उसका भी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर
हो सकता है कि अगर जीएसटी यहां पर ना लगता तो ज्यादा लोग पेन ड्राइव खरीद लेते, ठीक है ना। इसलिए मेरे बिजनेस पे क्या हो गया, इंपैक्ट हो गया। या अगर जीएसटी इस पे 5% कर दिया जाए तो आप क्या समझोगे, जब प्रोडक्ट लोगे 10,000 की पेन ड्राइव 500 रुपए जीएसटी है ना, और अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो आपके लिए वो क्या हो गया, या किसी तरीके से हम क्या कर दे, तुम्हारा जीएसटी माफ कर दे, तो कितना, सिर्फ 10,000, तो तुम्हारे लिए कॉस्टिंग क्या हो गई, कम। इसलिए हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि भाई जीएसटी कम से कम हो, और उसके बाद ऊपर से टेंशन बहुत है। एक तो एजेंट बना दिया मुझे जीएसटी का, मैं तो एजेंट ही हूं ना, तुमसे लूंगा और गवर्नमेंट को दूंगा, बीच में कुछ रख सकता हूं क्या अपने पास, नहीं रख सकता। उसके बाद अगर टाइम से जमा नहीं करा तो पेनल्टी, कम दिया तो नोटिस, सही दिया तो मिलान कराओ, तो टेंशन इसलिए व्यापारी पे। तो हम तो क्या है, एज ए बिजनेसमैन हम तो क्या, गवर्नमेंट के एजेंट है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। क्लियर है या मेरी बात यहां पर, हाँ। लेकिन व्यापारी हल्ला क्यों कर रहा है कि इसे सरल बनाओ, क्योंकि उसे कुछ बची नहीं रहा। या तो गवर्नमेंट कह दे 1800 ले लो और 1500 हमें दे दो, 300 तुम रख लो, या तो कुछ ऐसा कंसेप्ट ला दे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान है, रहना है तो भाई गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो टैक्स क्लियर हुआ, हाँ। अब भाई जब ये टैक्स लगा, अब जब ये टैक्स लगा तो टैक्स लगाने का जो तरीका है, पहले उस तरीके की बात करते हैं। अब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जब भी टैक्स लगे तो, अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और यहीं पर ही कोई गेट पर आ जाए और कहने लगे मुझे भेजा है नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी इतनी इनकम है जो आपने टैक्स कलेक्ट करा है, मुझे टैक्स दे दो 2,000 रुपये 10,000 रुपये, ऐसे मांग सकता है क्या कोई भी आके? क्यों नहीं मांग सकता? या कोई भी व्यक्ति आके, नरेंद्र मोदी जी आ गए सरकार बन गई तो क्या कुछ भी टैक्स लगा देंगे? लगा सकते हैं कुछ भी टैक्स? तो ये पूरा हिंदुस्तान चल कैसे रहा है, इन्होंने कैसे लगा दिया जीएसटी? क्या इसके लिए इनके पास पावर थी? कहां थी पावर? नहीं नहीं अब इस चीज को समझो, नाम चेंज नहीं हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। यहां पर ये समझो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज है संविधान, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और इसने मुझे बोला कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और टैक्स दो तुम, तो मैं उसे नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि पहले तुम पावर लेकर आओ। क्या लेकर आओ? पावर। पावर कहां से लाओ? संविधान में लिखा है या नहीं? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें वहां पर लिखा हुआ है पावर टू लेवी एंड कलेक्ट। दो वर्डिंग है यहां पर, लेवी एंड कलेक्ट। इन दोनों में अंतर बताओ भाई, क्या होता है लेवी और क्या होता है कलेक्ट, बोलो। देखो बेटर एग्जांपल देता हूं सब लोगों को, जीएसटी अगर किसी को पता है तो हम आगे चल के एक पढ़ेंगे GSTR 1। तो GSTR 1 के कंसेप्ट में क्या है कि लॉ में लिखा है कि हम इसके ऊपर लेट फीस लगाएंगे अगर आपने इस रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करा, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक वो ली नहीं। तो क्या हो गया यहां पर, GSTR 1 की लेट फीस क्या हो गई, लेवी तो हो गई लेकिन कलेक्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी कलेक्ट हो सकती है। तो यहां पर संविधान में क्या लिखा गया कि पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स अमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब अगर मोदी जी का कोई व्यक्ति मेरे से टैक्स लेने आएगा तो मैं बोलूंगा कि तेरे पास पावर कहां है, क्योंकि संविधान के जो भी राइट्स होते हैं वो मैं यूज करता हूं। भाई वोट देने का अधिकार है मुझे, ये कहां लिखा है, संविधान में लिखा है, ठीक है। बोलने का अधिकार है मुझे, संविधान में लिखा है। एजुकेशन का अधिकार है, संविधान में लिखा है। इसी तरीके से जब मोदी जी का वो व्यक्ति आया टैक्स लेने, मैंने कहा तेरे पास राइट है, उसने कहा हाँ मेरे पास टैक्स राइट है टैक्स लेने का, मैंने कहा लाओ संविधान लाओ। तो अब उस संविधान को हम पढ़ते हैं, उस संविधान को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें वो नहीं समझ आएगा तो हम जीएसटी नहीं देंगे। अगर हो सकता है कि भाई जीएसटी के अंदर, ठीक है ना, जब मैं आपको
एक नोटिस का रिप्लाई बताऊंगा सेक्शन 16(4) का, ठीक है। 16 एक सेक्शन होता है, ठीक है, 16(4) का एक ITC की हम बात करेंगे। तो जब हम उसका रिप्लाई बनाते हैं तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात डालते हैं कि ये भाई ये जो आप चीज़ें कर रहे हो ये जो है ना संविधान के अगेंस्ट है। तो अगर आपको GST करते करते संविधान नहीं पता होगा, थोड़ा सा, अब मैं पूरा संविधान नहीं पढ़ा रहा आपको, तो आप उस रिप्लाई में ये वाली बात नहीं डाल पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो भाई टैक्स लगाने की पावर कहाँ से आई? संविधान से आई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा संविधान के बारे में पढ़ ले, ठीक है। अरे सर हम तो GST सोच कर आए थे, संविधान क्या बढ़ा रहे हो? मैंने कहा स्टार्टिंग है, थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चल लो, ठीक है। तो हमने कहा भाई संविधान में कहाँ लिखा है, पूरी बुक थी बड़ी। तो हम जब इसे चेक करने लग गए तो संविधान में लिखा हुआ था, संविधान में होते हैं आर्टिकल, क्या होते हैं आर्टिकल। तो जैसे GST के अंदर सेक्शंस होते हैं ऐसे संविधान के अंदर क्या है, आर्टिकल। तो आपने कई आर्टिकल सुने होंगे, सुना है संविधान का आर्टिकल 370? नहीं सुना? जम्मू कश्मीर वाला है ना, आर्टिकल 35 से मूवी भी बनी है। तो ऐसे ही जैसे हमारे नॉर्मल एक्ट में सेक्शन होते हैं ऐसे ही संविधान में आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल 1 में कुछ और लिखा होगा, आर्टिकल 2 में कुछ और लिखा होगा, पूरा जब संविधान लिखा तो आर्टिकल 265 में जाके लिखा, किस में लिखा जी, 265 में जाके लिखा, ठीक है, कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, कि कोई भी टैक्स नहीं लगाओगे आप हिंदुस्तानियों पे एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोई भी व्यक्ति आके मेरे से टैक्स नहीं मांग सकता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मेरे से आके टैक्स मांगेगा मैं कहूंगा कि आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर आपको टैक्स लगाना है तो तुम्हारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी। अब मैंने कहा भाई अथॉरिटी लेकर आओ, तुम पे अथॉरिटी है या नहीं है? और अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है टैक्स लगाने की, किसके पास है? ऐसे नहीं, हम आर्टिकल 265 में क्या लिखा गया कि टैक्स लगाने से पहले क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। अब अथॉरिटी किसके पास है आप कह रहे हो, तो इन्होंने लिखा अथॉरिटी ऑफ लॉ हैज बीन रिटन इन आर्टिकल 245। उसने कहा मेरा रोल तो खत्म आर्टिकल 265 ने, अब अथॉरिटी किसके पास है, उसे पढ़ने के लिए आप आर्टिकल 245 देखो, ठीक है। तो जब हमने आर्टिकल 245 देखा कि भाई किसके पास है अथॉरिटी, तो हमने यहां पर देखा पार्लियामेंट किसके पास, गवर्नमेंट मत बोलना, तुम तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते रहोगे, हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। वो बात अलग है कि पार्लियामेंट में अभी नरेंद्र मोदी जी की पावर है, लेकिन है किसके पास, पार्लियामेंट, ठीक है जी। और पार्लियामेंट में, ठीक है, पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो वो किसी भी पार्ट के लिए, इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए, पूरे कंट्री के लिए लॉ बना देगी। अब आज की सिचुएशन में अगर जब ये हमारा संविधान बन रहा था अगर ये लाइन यहीं पर खत्म हो जाती पार्लियामेंट के ऊपर, तो जो हमारा संविधान बनाया, ठीक है, अंबेडकर साहब ने, तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती। उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में ऐसा लॉ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आज की सिचुएशन में हम देखें कि पार्लियामेंट में एक लॉ, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे इंडिया के लिए कानून बना देते, ठीक है ना, और बंगाल की जनता या जम्मू एंड कश्मीर की जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो उन्होंने क्या कहा कि हम पावर देंगे किसे, पार्लियामेंट को, लेकिन एक वर्ड और ऐड कर दिया, एंड, क्या कर दिया, एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, क्या बोला जी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉ फॉर द होल पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी टैक्स लगेगा दो लोग टैक्स लगा सकते हैं, एक पार्लियामेंट और एक लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब कि हम यहां पर बोलेंगे राज्य की विधानसभा, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और, ठीक है ना, ममता बनर्जी, ठीक है। तो ममता बनर्जी जब टैक्स लगाएंगी, हमारी दीदी, तो वो कहां पर लगाएंगे, वेस्ट बंगाल में, और नरेंद्र मोदी जी जो लगाएंगे
ठीक है, कहां पे? पूरे इंडिया में, ठीक है। अब इन दोनों की बात ये ठन गई, इन दोनों ने आर्टिकल 245 पढ़ लिया, क्लियर है जी, लिखा हुआ ये वाली बात या नहीं लिखी हुई? लिखी है, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं क्योंकि अभी सत्ता में वही है, लेकिन पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट ही होगा, कहीं अगर आपका एग्जाम है, रिटर्न है, तो वहां नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट मत लिख देना, तो वहां पे वर्डिंग क्या यूज करोगे? पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट के लिए क्या यूज करोगे? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन जनरल भाषा में नरेंद्र मोदी और वो, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल 245 को लिखने के बाद एक रायता फैल गया। रायता क्या फैला? कि भाई समझो, अब वेस्ट बंगाल की जनता के लिए, अब समझो वेस्ट बंगाल की जनता, तो आर्टिकल 245 को यूज करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई पूरे हिंदुस्तान पर, ठीक है ना, पूरे हिंदुस्तान पर 20% टैक्स लगता है। तो जब उसने पूरे हिंदुस्तान की बात करी तो वेस्ट बंगाल आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो वेस्ट बंगाल की जनता पर 20% टैक्स लग गया या नहीं लग गया? लग गया। अब आर्टिकल 245 का यूज ममता दीदी ने भी करा, और ममता दीदी ने भी कहा कि पूरे वेस्ट बंगाल की जनता पर 30% टैक्स और लगता है। तो ये तो वो बात हो गई कि एक फैमिली में दो बच्चे, ठीक है, एक बार थप्पड़ पापा ने मार दिया, एक बार थप्पड़ मम्मी ने मार दिया। इसमें गलती किसकी भाई? ये बच्चा तो दो बार पिट गया, बच्चे की पिटाई तो एक ही बार होनी चाहिए थी। तो आपने अगर देखा हो तो घर में क्या होता है, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, तो इन पे राइट हो जाता है, एक पे मम्मी का, एक पे पापा का, कि भाई एक ही बच्चा थप्पड़ मारे, मतलब जब भी गलती हो तो या तो पापा मारे इसे और इसे मम्मी मारे, ऐसे गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो जी, एक को ही दोनों पीटेंगे, गलती हो जाएगी या नहीं? लेकिन क्या इन्होंने कुछ संविधान के अगेंस्ट करा? संविधान में तो लिखा था या नहीं? तो जब ये बात हुई तो इन्होंने कहा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इन्होंने एक आर्टिकल और बनाया, और आर्टिकल 246 में लिखा, किसमें लिखा जी? आर्टिकल 246 में लिखा कि ऐसा कर लेते ना, हम सलाह कर लेते, हम आर्टिकल 246 में सलाह कर लेते, लिस्ट बना लेते कि इस पर कानून तुम बनाओगे और इस पर कानून हम बनाएंगे, तो आपस में कंफ्लिक्ट नहीं होगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो इसके बाद आया आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 के अंदर तीन लिस्टें बनी, एक बनी यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं हम लिस्ट वन, और एक बनी स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं हम लिस्ट टू, और एक है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और क्या लिखा गया कि यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें लिखी हैं उसके लिए जो कानून बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें लिखी हैं उस पर कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो कंकरेंट लिस्ट है, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही सहमति से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिना देखे, ठीक है, बिना देखे आप मुझे बताओ कि अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो वो स्टेट लिस्ट में लिखा है या कंकरेंट लिस्ट में? इनकम टैक्स कौन लगाता है? किस में लिखा होगा? यूनियन में, स्टेट में, कंकरेंट में? किस में लिखा है जी? यूनियन में लिखा है। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में, किस में जी? एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है, ठीक है। इनकम टैक्स जो लगेगा वो कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है, कौन लगाएगी? तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही इनकम टैक्स लगता है या अलग अलग लगते हैं? एक ही लगता है, क्लियर है, क्योंकि ये एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर एंट्री नंबर 82 को ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है इसमें टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो कई बार हमको ये लगता है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया नहीं, अबे भैया एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा ही नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे पास संविधान में पावर नहीं है। तो कई बार अगर कोई भाषण में कह देना देखो हमने एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया, तो भीड़ में से खड़े होकर कह देना कि तुम पे पावर ही नहीं है, संविधान से आगे जा सकता है क्या कोई? नहीं। क्लियर हुई मेरी बात? तो भैया मिलिट्री,
मिलिट्री कहाँ पर कैसे लगेगी, इसका हवाला कहाँ पर होना चाहिए, स्टेट में सेंट्रल में? सेंट्रल में, उसे पता होना चाहिए ना। अगर आज जम्मू एंड कश्मीर पे मिलिट्री का जो हमारा कानून है, ठीक है, वो स्टेट पर होता तो वहाँ पर जो हमारी महबूबा, ठीक है ना, मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर है पहले थी, तो क्या वो वहाँ पर मिलिट्री होने देती? और अगर वहाँ से मिलिट्री हटवा देती तो कोई सुरक्षित रहता? तो इन्होंने कहा मिलिट्री का मैटर कहाँ पे होगा? पार्लियामेंट। अब सेंट्रल सेंट्रल नहीं करना है, पार्लियामेंट, ठीक है। अब आरबीआई नोट छापने किसके पास होने चाहिए? पार्लियामेंट। अच्छा पुलिस किसके पास होनी चाहिए? तो यहां पर क्या है कि यूनियन लिस्ट में दो तरह की चीजें, एक टैक्सेशन मैटर और एक नॉन टैक्सेशन। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में दो तरीके की, एक टैक्सेशन और एक नॉन टैक्सेशन, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा आप बताओ जीएसटी कहां से लगता है? कौन सी लिस्ट में पावर है? किसमें? कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है कि यहां पर जो भी मैटर होगा सिर्फ नॉन टैक्सेशन होगा, तो अब जीएसटी बताओ कहां से लगता है? तुम्हें पता है जीएसटी जो है फ्रांस के अंदर शायद 1954-55 में आ गया था, इंडिया में नहीं आया, क्योंकि पावर ही नहीं है। पावर दिख रही है तुम्हें? और जिस चीज की पावर संविधान में ना हो तो क्या वो आप टैक्स लगा सकते हो? हा? तो हमारे पास संविधान के अंदर पावर ही नहीं है जीएसटी लगाने की। और संविधान को चेंज करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। धरने पे बैठ जाते हैं लोग बाग, ठीक है, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो चाहे किसी और चीज की बात हो। तो इसलिए जीएसटी हिंदुस्तान में लेट आया। अब बताओ जीएसटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। संविधान को चेंज करना पड़ेगा, और संविधान को चेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत गवर्नमेंट्स ने प्रैक्टिस करी, ट्राई करा, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। लेकिन 2016 में, किसमें जी, 2016 में एक एक्ट आया, 17 की बात नहीं कर रहा, जीएसटी कब से आया, 17 में। लेकिन जीएसटी का जन्म करने से पहले संविधान में, ठीक है, संविधान में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो हिंदुस्तान है। अब कोई बच्चा बर्थ करता है, जन्म लेता है, लेट सपोज आज 7 मार्च 2021 है, आज जन्म लेता है, तो बच्चे के जन्म की डेट क्या होती है? 7 मार्च 2021, वो उम्र उसकी हो जाती है स्टार्ट, हैं? फिर यहाँ से उम्र बढ़ती रहती है, मेरे हिसाब से बढ़ती नहीं रहती, यहाँ के बाद तो घटती रहती है ना, क्योंकि उम्र तो उसे पता ही है, आज की डेट में दिल्ली में रह रहे हो तो 70 साल, फिर तो घटती रहती है जन्म लेने के बाद तो, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसकी उम्र में 9 मंथ्स और ऐड करने चाहिए, है ना, होने चाहिए या नहीं? तो भाई जीएसटी जो आया ये तो आया 2017 से, लेकिन जो इसका एक्चुअल जन्म था ये कब हुआ? 2016 में, क्योंकि 2016 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे किसी इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में कि जीएसटी को लाने के लिए संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा, जीएसटी को लाने के लिए संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा, तो उन्हें बताना कि भैया कि संविधान के अंदर पावर ही नहीं थी, क्योंकि इनकम टैक्स लगा देता था सेंट्रल, वैट लगा देता था स्टेट, अलग अलग लिखे हुए थे। लेकिन जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा था कि दोनों ही टैक्स लगाए, सेंट्रल भी लगाए और स्टेट भी, तो इसलिए हमें संविधान को चेंज करना पड़ा। और संविधान को चेंज करने के लिए तो संविधान में क्या है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल 246 में क्या लिखा हुआ है कि इस पर स्टेट लगाएगी और इस पर सेंट्रल लगाएगी। तो हमने क्या करा, संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा, क्या करा, नया आर्टिकल इंसर्ट करा, और उसका नाम क्या रखा, आर्टिकल 246A, क्या रखा जी, 246A।
ठीक है। अब सर ए क्यों लिखा, ठीक है। तो भाई मैं मजाक में कहता हूँ, देखो जब आप अपने मोबाइल में नंबर सेव करते हो तो कई बार गलत तरीके से नंबर सेव करते हो आप, कई बार कर देते हो, ठीक है ना, बीबी न्यू, बीबी ओल्ड, ठीक है ना, पापा टू, ठीक है ना, पापा मुंबई, ठीक है, पापा दिल्ली, ऐसे नहीं करना नंबर। तो जब भी क्या होता है, कोई चीज़ लाई जाती है और वो उसके जैसी ही है, तो यहाँ पर एक्ट में हमेशा क्या होगा, ए बी सी डी ऐसे करेंगे। अब नंबर 247 तो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो किसी और को पहले से अलॉट है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी कुछ ए बी सी लगे तो समझ लेना कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये बाद में अमेंडमेंट हुआ है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 की, तो क्या ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है ना, 370 है, तब से जब से संविधान बना तब से। आर्टिकल 246 ओरिजिनल है तभी से, आर्टिकल 246 है बाद में आया, ये पता नहीं कब आया, लेकिन बाद में आया। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं जीएसटी में बात करूं, सेक्शन 16 कब से है? शुरू से है। सेक्शन 16-2 उसी का पार्ट। सेक्शन 16-2AA वो नया आया। सेक्शन 49A नया आ गया, ए लग गया तो नया आया होगा, ठीक है। तो ये आपको अपनी साइकोलॉजी में फीड कर लेना, ठीक है। तो अब बीवी का नंबर भी कैसे सेव करोगे, ए बी, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, कि बाद में नंबर लिया होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आया, आर्टिकल 246A। अब आपको पता लग गया आर्टिकल 246A क्यों लाए, क्योंकि संविधान में पावर नहीं थी। तो आर्टिकल 246A ने क्या लिखा, मैंने इसे डायग्राम में लिखा है, आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट खोलकर इसकी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। तो मैंने इसे डायग्राम में क्या लिखा, आर्टिकल 246A के अंदर दो क्लोज है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। और फर्स्ट क्लोज ने क्या बोला है कि भाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, ये दोनों मिलकर ही टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और जो दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे उसके लिए ये कानून बनाएंगे, और जो कानून बना तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया, सीजीएसटी, और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट ने क्या बनाया, एसजीएसटी। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा देता हूं इसकी, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। आर्टिकल 246A एक बार निकाल लो, देखो कहीं पर लिखा होगा हमने आर्टिकल 246A का टेक्स्ट है कहीं पर, या मैं आपको यहां से निकाल कर दिखा देता हूं। मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो भाई अच्छा ये बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया होगा या उससे पहले? कब आया? 2016 में। तो जीएसटी का जो जन्म था वो 2016 में हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो 8 सितंबर 2016 को, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मैंने जो जीएसटी पढ़ना शुरू करा था, ठीक है ना, मैंने 2016 से करा था। मैंने पहली बार जीएसटी, लगभग मुझे अच्छे से याद है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो सितंबर अक्टूबर में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन आप ज़्यादा लेट नहीं, 16 से 21 पाँची तो साल हुए, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल डाला 246A। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं है कि हमें महारत हासिल करनी है, सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हम, ठीक है। हम तो अपने पर्पज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या आप कहीं जाते हो तो ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग कंप्लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स, उन्हें क्या मतलब कि किसके पास पावर है नहीं है। लेकिन अगर कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पावर किसके पास है, अलग अलग एक्ट क्यों बने, ठीक है। तो आर्टिकल 246 ने क्या बोला, नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246-254, ठीक है ना, पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू क्लोज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। क्या लिखा जी, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। यहां पर कौन आ गया मेरे एग्जाम्पल में, ममता दीदी, है ना।
हैव पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट, कि जो यूनियन टैक्स लगा रही है तो हम कानून बना सकते हैं। तो इस पावर का यूज करके, इस पावर का यूज करके ठीक है, सेंट्रल क्या बनाएगी सीजीएसटी और स्टेट क्या बनाएगी एसजीएसटी। लेकिन एक एक्ट और रह गया, कौन सा? आईजीएसटी। वो कहां से आया? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीजीएसटी कहां से निकला और एसजीएसटी कहां से निकला, तो आपको क्या बोलोगे? आर्टिकल 246A क्लॉज 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के। अब आप सेकंड क्लॉज पढ़ो, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली पावर, क्या बोला जी? एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विद रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, क्या बोला जी? कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, क्या है जी? इंटर स्टेट से रिलेटेड कुछ भी कानून बनाना है, उसके लिए कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और उन्होंने इस पावर को यूज करके कौन सा एक्ट बनाया? आईजीएसटी। क्या बनाया? आईजीएसटी। तो अगर हम इसे अपने डायग्राम में लेकर आ जाएं, तो जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें आपको एक चीज क्लियर हुई, तो हमारे को तीन कानून पढ़ने, आर्टिकल 246A 1 से सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, क्लियर है? तो अब ये बताओ छोटा कौन सा होगा? आईजीएसटी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को कवर अप कर रहा था, कौन सी वाली को? किसे? इंटर स्टेट। किसे सिर्फ? कि भाई जो इंटर स्टेट के मैटर्स होंगे वो हम देखेंगे, बाकी तुम। अच्छा अब एक चीज और बताओ कि ये सीजीएसटी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और एसजीएसटी कौन बनाएगा? तो स्टेट में दिल्ली भी हो सकती है, यूपी भी हो सकती है, बंगाल भी हो सकती है। तो हमने ये बोला कि भैया ऐसा करो कि हम तो बनाएंगे, निर्मला सीतारमन जी ने बोला उस टाइम, तो जेटली साहब थे, निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि भाई हम तो बनाएंगे सीजीएसटी, तुम अपना क्या लिया ना एसजीएसटी बना के लिया ना। तो अब एसजीएसटी एक्ट बना रही है बंगाल वाले, जम्मू कश्मीर वाले, हैं मिजोरम, मणिपुर, तो सबका सेम आएगा? हाँ, लेकिन एसजीएसटी सबका सेम है या नहीं है? सेम। तो ऐसा कैसे हुआ? नहीं, पार्लियामेंट ने तो क्या बनाया? सीजीएसटी। क्या बनाया? सीजीएसटी बनाया और आईजीएसटी। स्टेट को क्या बनाना था? एसजीएसटी बनाना था या नहीं? तो क्या वो स्टेट, हर स्टेट अपना एसजीएसटी बना सकती है? नहीं बना सकती है नहीं, तो सबने अलग अलग बना के लाए होंगे। हाँ, तो फिर अगर सब अलग अलग जीएसटी बनाकर ले आए तो क्या वो सिमिलर हो पाएगा कभी? भैया जब वो सिमिलर नहीं हो पाएगा तो गवर्नमेंट ने कहा ये भी बड़ी समस्या है, तो उन्होंने क्या करा, संविधान में एक नया चेंज करा। और नया चेंज क्या करा, ठीक है, आर्टिकल 246 है, क्लियर है? किस समस्या को एड्रेस करा आर्टिकल 246 ने, बताओ मुझे, बोलो। 246 में जो चीजें नहीं दी वो डाल दी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब एक समस्या और खड़ी होगी कि ये तो सब अलग अलग अपना एक्ट ले आएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने, ठीक है, संविधान के अंदर, संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा, 279A। क्या बोला जी? 279A। और 279A डाल के उसमें क्या बोला कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो एक काउंसिल बनाएंगे जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो ये जो काउंसिल है ना, ये जो जीएसटी की काउंसिल है जिसकी मीटिंग होती है बार बार, इसका जन्म भी कहां से हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है भाई ये, तो संविधान के अंदर पावर मिली है। तो जीएसटी काउंसिल को हल्का फुल्का मत समझो कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें जो डिसीजन होते हैं उन्हें हल्का फुल्का मत समझो, ठीक है, वो कहां से निकली है? संविधान से। तो जब संविधान में चेंज कर रहे थे हम, हमने संविधान में चेंज किस लिए करे? जीएसटी को लाने के लिए।
तो जीएसटी को लाने के लिए हमने जीएसटी जो हमारा संविधान है उसमें हमने क्या लिख दिया कि एक काउंसिल बना लो। और काउंसिल का मुखिया कौन होगा? अच्छा बताओ कौन होगा? ठीक है, प्रेसिडेंट? नहीं, प्रेसिडेंट साहब तो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, मुखिया होंगे, उसमें एक तो निर्मला सीतारमण जी को बिठा देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। अब उन्होंने कहा भाई फाइनेंस मिनिस्टर तो सारे अपनी अपनी बातें करेंगे, ठीक है, ये तो मोदी जी की बात करेंगे। ममता दीदी कह रही नहीं ऐसा ना हो बे, ठीक है, हमारे भी तो मेंबर होने चाहिए। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टेट का एक, जो जैसे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे ही एक स्टेट का भी एक एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा और वो उसके मेंबर्स होंगे। और वो जो स्टेट वाले जो होंगे, ठीक है भाई, चेयरमैन तो देखो सेंट्रल की रहेगी, ठीक है, जो स्टेट वाले होंगे उसे हम क्या बना देंगे, वो अपना एक नेता चुन ले और उसे हम वाइस चेयरमैन बना देंगे। क्या बना देंगे? और बाकी सारे मेंबर्स तो रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो जो काउंसिल है वो क्या जो है, जो वो जीएसटी काउंसिल है वो क्या करेगी, एक एक्ट बनाकर ले आएगी, ठीक है। अब उसी एक्ट को मिलकर सब लोग बैठकर क्या कर देंगे, पास। अब जो ये एक्ट पास होगा, जब जो काउंसिल बना रही है, जीएसटी काउंसिल बना रही है, और जब उस एक्ट को पास कर रही है काउंसिल, तो क्या उसमें स्टेट की सहमति होगी या नहीं होगी? हो गई, क्योंकि हर स्टेट के। तो जो सीजीएसटी एक्ट पास हुआ, क्या बताओ वो सारी स्टेट्स के लिए ओके हो गया या नहीं? और बस उसी सीजीएसटी एक्ट की कॉपी निर्मला सीतारमन जी ने दीदी को दे दी, अरविंद केजरीवाल को दे दी, और क्या कहा कि वर्ड में जाके क्या कर लो, कॉपी पेस्ट, बस एक फाइंड एंड रिप्लेस कर दो, जहां पर लिखा हुआ है सीजीएसटी वहां पे कर दो स्टेट अपना, बिहार वाले बिहार, दिल्ली वाले दिल्ली, यूपी वाले यूपी। क्लियर है? तो समस्या समाधान हो गया या नहीं हो गया? तो इसी वजह से अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी सारा बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो आप कह दो हाँ सेम है। क्या वो अपना अलग बना सकते थे? हाँ बना सकते थे, पावर तो थी आर्टिकल 246 ए में, लेकिन आर्टिकल 279 ए को यूज करके इन्होंने क्या बनाया, एक काउंसिल बनाया, और उस काउंसिल ने ये एक्ट लाए। तो अब जो भी काउंसिल होती है तो इसका मतलब वो सबकी सहमति से होती है। क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है? हाँ, तो हम इस सेक्शन का यूज करेंगे, बीच में एक दो जगह इस आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जब भी मैं बात बोलूं आर्टिकल 279 ए, तो आप क्या समझ जाना, जीएसटी काउंसिल। तो काउंसिल का जन्म कहां से हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब ये जो काउंसिल की मीटिंग मीटिंग आप बोलते रहते हो, पता तो होना चाहिए इसे पैदा किसने किया, ठीक है। क्लियर हुई यहां तक हमारी बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो भाई, यहां तक है किसी को कोई डाउट? यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हमारा, अब यहां से अब हम अपने कोर्स का दायरा बताते हैं कि भाई इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें क्या है, जब हम अपना दायरा बताते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आपको फुर्सत हो तो ये 6 पेजों का एक्ट है, अपने घर पे पढ़ लेना, या जो जो चीजों की जरूरत होगी, जैसे 2-3 आर्टिकल मैंने अभी आपको समझा दिए। लेकिन संविधान को समझना इतना आसान तो है नहीं, तो जो घर पे समझे अपने खतरों के खिलाड़ी अपने हिसाब से, या जो जो हमें जरूरत होगा हम पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, बताओ क्या क्या पढ़ा आज? 246 ए पढ़ा और 279 ए पढ़ा, ठीक है। बाकी और कुछ जरूरत होगी तो हम पढ़ लेंगे, 6 पेजों का, नहीं तो घर पे पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा आर्टिकल चेंज उन्होंने नहीं करे थे, जो जीएसटी से रिलेटेड थे वो चेंज करे थे, क्योंकि इसका पर्पज ही क्या था, जीएसटी इंट्रोड्यूस करना। क्लियर हो गया यहां पर? तो अगर मैं कभी तुमसे कोई बात करूं तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं कि भाई ये वाली बात, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लिखी है, ठीक है। हम ज्यादा बातें तो करेंगे नहीं, लेकिन कभी मैं रेफरेंस दे सकता हूं, ठीक है। अब आप कोई कहने लगो कि भाई हम जीएसटी काउंसिल की बात क्यों माने, कोई कह सकता है ना, मैं तो नहीं मानता काउंसिल की बात। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल जो बनी है वो संविधान से बनी है, और उस काउंसिल के अंदर, उस आर्टिकल 279 ए के अंदर लिखा हुआ है कि काउंसिल ये फैसले ले सकती है, ठीक है। कब बनी होगी? हाँ 2016 में।
अगर आपने ध्यान से पढ़ोगे तो 279A में ये चीज़ लिखी है, ठीक है। हमें इतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि नहीं तो फिर ये 150 घंटे का कोर्स नहीं होगा, फिर ये कितने का हो जाएगा, 200 का 250 का, हाँ 300 का, है ना। लिखा गया द प्रेजेंट सेल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए काउंसिल, ठीक है। 60 दिन के अंदर उन्हें बनानी थी, तो बीए अगर सितंबर में आया तो अक्टूबर नवंबर में बन गई होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो तो पढ़ने को समुंदर है पूरा, लेकिन हम उस समुंदर में से जो जो चीज़ें हमारे काम की है वो निकालेंगे, है ना। तो फिर अब इसका जन्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, आर्टिकल 246A, ठीक है। और 246A से किस किस का जन्म हुआ, CGST का और SGST का, कौन से क्लोज 1 से, और सेकंड से किसका हुआ, ठीक है। तो भाई CGST और SGST में कितने सेक्शन है, 174, और IGST में कितने, 25, बस 200 सेक्शन पढ़ने, 199, ठीक है। इसके अलावा तो GST नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद तो भाई ये जो एक्ट बनता है इसे बनाती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इस एक्ट को बना दिया लेकिन इसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट, क्या करना है, इम्प्लीमेंट। क्या तुम्हें क्या लगता है पार्लियामेंट डेली बैठती है क्या, कुछ भी मैटर हो चलो पार्लियामेंट चलते हैं, या राज्य की विधानसभा डेली बैठती है क्या, इनके क्या होते हैं, सत्र होते हैं, क्या होते हैं, सत्र होते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पे तो पार्लियामेंट कितनी तहजीब से बैठती है, कितना शांति से काम होता है, पूरा इफेक्टिव होती है ना हिंदुस्तान में, ठीक है। तो भैया इन्हें बैठना इतना आसान नहीं है, तो ये तो क्या बना देते हैं, कानून, क्या बना देते हैं कि हमने बना दिया कानून, ठीक है, हमने बना दिया कानून। और भैया अब इस जो कानून को जो तुम्हें पास कराना है, ठीक है, तो जो ये कानून बनने के लिए जाता होगा तो पहले क्या काउंसिल बना कर देती होगी इन्हें, क्या होता होगा, तुम्हें क्या लगता है, काउंसिल ही क्या करती होगी, पहले ड्राफ्ट कर देती होगी, क्योंकि पहले ही सहमति कर लो, तुम पहले ही सहमति कर लो और फिर फॉर्मेलिटी के लिए पास करा लो, क्योंकि एक्ट है तो वहां से बनेगा। इसी तरीके से CGST और SGST हुआ होगा, क्लियर है मेरी बात, हाँ। सारी चीजें क्या कर रही है यहां पर, इसका मतलब यहां पर काउंसिल का रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया काउंसिल का रोल। तो सारे मैटर्स पहले काउंसिल, आपने देखा होगा काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है ना, काउंसिल की मीटिंग में मैटर्स हुए लेकिन सब पे क्या पता इंप्लीमेंटेशन ना हो। तो काउंसिल ने जो चीज बोल दी GST काउंसिल की मीटिंग में, प्रेस रिलीज में, हम उसे कानून नहीं मानेंगे। हम कानून कब मानेंगे, जब वो एक्ट बन जाए, ठीक है जी, क्लियर है। हो सकता है काउंसिल ने उस टाइम पे प्रेस रिलीज में बोल दिया, बाद में कुछ व्यक्ति एब्सेंट थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो इस चीज को नहीं मानते, तो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। तो जब भी कभी प्रेस रिलीज आती है काउंसिल की, हम कहते हैं प्रेस रिलीज इज नॉट अ लॉ, ठीक है। ये क्या है, रिकमेंडेशन है, क्या है ये, रिकमेंडेशन है, फॉलो हो भी सकती है या नहीं, जब तक वो एक्ट नहीं बनेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। तो एक्ट क्लियर हो गए, तो ये एक्ट बने एक बार, ठीक है। इसके बाद एक्ट और रूल्स में अंतर होता है, क्या होता है, एक्ट और रूल्स में अंतर, क्या अंतर होता है एक्ट और रूल्स में, बताओ मुझे। देखो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ वाला, ठीक है। इस सृष्टि का नियम क्या है, खाना खाना है, अगर जीवित रहना है तो खाना खाना है या नहीं, ये एक्ट हो गया, कानून बन गया, ठीक है। ये ऊपर वाले का कानून है कि जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो तुम खाते हो वो मैं नहीं खाता, जो मैं खाता वो तुम नहीं खाते, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई खट्टा खाता है, ये क्या है, ये रूल्स है। क्या रूल्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं। मंगलवार आ गया तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, रूल बना दिया व्यक्ति ने अपना कि मंगलवार को अपन लोग नॉनवेज नहीं खाते। नवरात्रे आ गए
तो नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो ये क्या बना रखा है, ये रूल्स है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रखे। क्या ये रूल्स की वजह से एक्ट चेंज हो सकता है? या कोई व्यक्ति ये कह दे मैं मतलब कि 2 साल तक खाना नहीं खाऊंगा और जिंदा रह लूंगा, नॉट पॉसिबल। तो कभी भी जो रूल्स होते हैं वो किसे ओवर रूल नहीं कर सकते, एक्ट को। तो रूल्स क्या है, नीचे क्या है, रूल्स क्या है, नीचे है। और रूल्स किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। क्लियर है या नहीं है? रूल्स क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ने है? भाई इतना तो एक्ट पढ़ना है और साथ में रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स ज्यादा नहीं है, 162, कितने 162 रूल्स सीजीएसटी के हो गए, और आईजीएसटी के भी कुछ रूल्स है जो हमें ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, कभी जरूरत पड़ी तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब भाई एक्ट हो गया, रूल्स हो गए, अब तो जीएसटी खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई देखो अब ये जो रूल्स को हमें चेंज करना है, ठीक है ना, तो हम उसके लिए समय समय पे क्या लाएंगे, नोटिफिकेशंस। क्या लाएंगे? नोटिफिकेशंस लाएंगे, साथ में क्या लाएंगे, सर्कुलर्स लाएंगे, साथ में क्या लाएंगे, ऑर्डर्स, ठीक है। तो आपको ये नोटिफिकेशंस भी पढ़नी है, सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं और ऑर्डर्स भी। सर्कुलर क्या, सर्कुलर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मैं तुम्हें बोलूँ कि भैया सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर में बात लिखी है, तो सर्कुलर को समझ लो। अब हो सकता है कि ये जो सर्कुलर है किस लिए लाया गया, अब गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि भाई जो ये रूल्स है कि भाई आपको क्या करना है, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो ऐसे ऐसे कैंसिल कर देना। रूल्स में लिख दिया कि अगर आपने वॉयलेशन करा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अब उस रूल्स को काउंसिल में तो सभी बैठे थे, काउंसिल में तो मीटिंग में सभी बैठे थे, सबके फ्रेंच मिनिस्टर ने समझ लिया और ओके कर दिया। लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो डिपार्टमेंट ही कर रहा है, अब भैया बंगाल के ऑफिसर कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिल्ली के कुछ अलग ही कर रहे हैं, यूपी के कुछ अलग ही कर रहे हैं। होता है ना, किसी एक नोटिस को कैसे कैसे अलग अलग डील करते हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो जाती है कि यार ये तो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो वो क्या करती है, सर्कुलर निकाल देती है। क्या निकाल देती है? सर्कुलर निकाल देती है कि भाई सारे ऑफिसर मिलकर बैठ जाओ, ठीक है, और इस सर्कुलर के हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो सर्कुलर इन जनरल किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए। किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए। लेकिन हमें पढ़ना होगा, हमें क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि अगर ऑफिसर सर्कुलर के हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई सर्कुलर में तो ये चीज लिखी है। तो ये सारी चीजें हमारे लिटिगेशंस में काम आएंगी। क्लियर हुआ? अब ऐसा हो जो कानून बना, अच्छा जो संविधान बना था, ठीक है, 8 से 70 साल पहले, क्या उसमें जो चीजें लिखी थी सब सही थी? हाँ, उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन समय बदला तो जब जब हमें बदलाव की जरूरत हुई तो हमने संविधान को चेंज कर दिया। तो ये सीजीएसटी एक्ट बना कब बना, 2017 में, 2017 में सीजीएसटी एक्ट बना। तो सीजीएसटी एक्ट में जो चीजें लिखी थी वो किसके हिसाब से थी, 2017 के हिसाब से। लेकिन जब इसे इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 के बाद, तो उसमें दिक्कतें आई होंगी कुछ ना कुछ, तो क्या उसमें चेंज होना चाहिए या नहीं, या रूल्स बना के हैंडल कर लो, क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए या नहीं? तो जब उसमें चेंजेज हुए करने हैं तो उसके लिए क्या बिठानी पड़ेगी, काउंसिल तो बैठेगी बैठेगी, काउंसिल के अलावा, काउंसिल को तो जब मर्जी बिठा लो, क्या बिठानी है, पार्लियामेंट। तो जब वो पार्लियामेंट बैठी, उसने लॉ में चेंज करा, तो हमने उसे क्या नाम दिया, अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोला गया, अमेंडमेंट एक्ट 2018, कि भाई जो भी तुम्हारे को अमेंडमेंट करनी है कर लो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा यार हर बार अलग से अमेंडमेंट एक्ट लाना बड़ी दिक्कत है, तो साल के अंदर हम क्या करते हैं, बजट तो लाते हैं, और बजट में जनरली किस चीज को लाते हैं, टैक्सेशन नहीं होती है। तो उन्होंने कहा जब जब हम फाइनेंस एक्ट लाएंगे तब तब जीएसटी के चेंजेस भी उसी में कर देंगे। तो उसके बाद जब अगले चेंजेस हुए अगले साल के लिए, तो किस में लेकर आए, फाइनेंस एक्ट 19, फाइनेंस एक्ट 20, और अभी जो चेंजेस हुए उससे किस से लाए, फाइनेंस बिल 21। अभी एक्ट नहीं बना, वो क्या है, अभी फाइनेंस बिल 21। क्लियर है? तो क्या हमें ये पढ़ने पड़ेंगे या नहीं? हाँ, तो भैया हम इसे ना सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, जब सेक्शन 25 पढ़ाएंगे आपको, तो सेक्शन 25 में
ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि सारा लेटेस्ट पढ़ाए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो साथ के साथ बता देंगे कि भाई शुरुआत में ये ऐसा था और अब ये ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो लोग हमारी पेनड्राइव पुराने वाली भी देख रहे हैं, उनके पास लेक्चर है, नए के साथ साथ पुराना भी है, तो उन्हें डबल मजा मिल सकता है कि इस वाले लेक्चर को, सेक्शन 25 को पुराने लेक्चर से भी देख लो, तो आपको पता लग जाएगा बिफोर अमेंडमेंट क्या था और आफ्टर अमेंडमेंट क्या था। मेहनत दो बार होगी लेकिन दो बार मजा आ जाएगा कि पुराना क्या है नया। जो सिर्फ इस लेक्चर को देखेंगे हमारे, उन्हें क्या मिलेगा नया, वो बात अलग है कि मैं अपनी इच्छा से बताता रहूंगा कि भाई पुराना ये था, ठीक है। लेकिन सारा पुराना तो नहीं बताऊंगा ना, उसकी चर्चा करना कोई फायदा होगा क्या हमारे को, है ना। लेकिन जहां फायदे की बात होगी वो मैं बता दूंगा, ये गलती थी, फिर गवर्नमेंट ने इसे बाद में चेंज कर दिया। क्लियर हो गई? तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना? ये पढ़ना है। तो अब आप समझ लो अपना जीएसटी का दायरा, ठीक है। अब लास्ट में, ठीक है सर, ये चीजें हमें मिलेंगी कहां से? तो भैया ये चीजें क्या होंगी, तुम्हें सीबीआईसी की साइट से मिलेगी। कहां से मिलेगी? दो साइटें अब आप अपने गूगल में फिट कर लो जब तक आप जीएसटी में हो। एक तो आपने करी रखी होगी gst.gov.in, हाँ, किसी भी क्लाइंट का खोल लाओ। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के साथ साथ आप एक साइट और ऐड कर लो, cbic.gov.in, ठीक है। और यहां पर जाओ किस पे? जीएसटी पे। किस पे जाओ? जीएसटी। और जीएसटी में जाने के बाद यहां पर अगर तुम्हें रूल्स डाउनलोड करने हैं तो रूल्स में जाना। कितने रूल्स बताए मैंने? सीजीएसटी रूल्स और आईजीएसटी। कभी जरूरत पड़ी तो जाएंगे, नहीं तो मेनली किस पर जाएंगे? सीजीएसटी पे। एक्ट कौन से? एक्ट तो लंबे, ठीक है। तो जो जो एक्ट अमेंड वाले चाहिए तुम्हें निकालते रहना, ठीक है। क्लियर है? तो सब निकाल लोगे? तो भैया ये सब अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना जब भी आप हमारी क्लासेस को पढ़ो, ठीक है। कहीं ना कहीं पर वो चीज होगी। हमारे नोट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये आप अगर अपना लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में होना चाहिए, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप, कहीं फिजिकल जा रहे हो तो फिजिकल। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर जब पढ़ाता हूँ तो मेरे लैपटॉप में है यहाँ पर सब कुछ। अगर आप देखोगे सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 19-20 है ना, सारा है। और अगर मैं कहीं पर जाता हूँ फिजिकल तो मैं अपने साथ एक बुक ले जाता हूँ, ये वाली, जिसमें मेरे को सारा होता है। अगर हमारे पास ये नहीं है, यही हमारी गीता, यही हमारी बाइबल, यही कुरान, ठीक है, यही सब कुछ है, इसके बिना हम अपाई है। कई लोग मेरे पास फ़ोन आता है पूरे इंडिया से क्वेरी के लिए, तो कई बार वो क्या करते हैं, वो टाइम नहीं देखते, वो सुबह 9:30 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी घर पे हो? अरे सर बता दो। भैया मैं नहीं बताता क्वेरी। इंटेलिजेंसी उस बात में नहीं है कि आपने फ़ोन करा और एकदम क्वेरी का आंसर मिल गया, नहीं भाई, आप सामने वाले को टाइम दो। तो अगर ऑफिस में फ़ोन आता है तो मैं उससे बात करते करते साथ के साथ एक्ट खोल लेता हूँ, साथ के साथ रूल्स खोल लेता हूँ, फिर मैं वहां से पढ़कर बताता हूँ। तो आप कभी भी जब भी किसी भी जीएसटी क्वेरी का आंसर दे, कई लोग मेरे से पूछते तुम्हें सेक्शन इतने सारे कैसे याद हो गए, तुम्हें रूल्स कैसे याद हो गए, हमें तो होते नहीं। मैंने कहा जब भी तुम किसी का जवाब देते हो तो तुम तो आंसर तुरंत दे देते हो फोन पे, ये ऐसे कर लो। और मैं जब आंसर देता हूँ तो मैं इसे खोल लेता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन का है। तो जैसे मैं इसे खोलता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 25 है। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे वो याद हो जाता है। मैं इसमें अपनी तोहीन नहीं समझता कि मैंने आपको 2 मिनट बाद आंसर दिया, 10 मिनट बाद आंसर दिया। कई क्वेरी का आंसर मैं आधे घंटे बाद भी देते तो 2 घंटे भी लग जाते, कई के 2 दिन भी लग जाते, कई के 10 दिन भी लग जाते, नहीं मिलता कई क्वेरियों का जवाब। लेकिन आप जब भी कभी किसी का आंसर दे तो अपनी इस गीता बाइबल को पढ़कर दे। आप मेरी बात को समझे? क्लियर है ही मेरी बात या नहीं? ठीक है, अदरवाइज इससे फायदा क्या होगा? एक तो आप गलत नहीं होंगे कभी, दूसरी बात आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। इसमें तोहीन नहीं है, ठीक है। कई लोग इसमें तोहीन समझते हैं, इसको तोहीन मत समझना। कोई अगर क्वेरी नहीं पता है, आप उसे बोलना कि मैं ये चेक करता हूँ, चेक करके बताता हूँ, या मुझे आप इसके लिए समय दीजिए, मैं इसे पढ़कर बताता हूँ, गलत आंसर ना दे। क्लियर है? ठीक है, हमें कोई चीज़ पता भी होती है तो हम तब भी एक बार चेक करके आंसर देते हैं कि गलत ना हो जाए। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, तो ये सारे एक्ट हो गए हमारे क्लियर। अब इसमें
एक एक्ट और है, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ठीक है, ये हमें पढ़ना तो है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी को पता है तो बताओ भाई ये क्या है, क्यों बना, सबका पर्पज क्लियर हो गया कि कोई चीज क्यों बनी है। देखो हर चीज में कोशिश ये करना कि जो भी चीज मैं आपको बताऊं तो मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, क्या बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि ऐसा इसलिए करता हूं मैं कि जो वो लॉजिक इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हम कोई चीज विद लॉजिक समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी फीड होती है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अब लेट आया तो मुझे गुस्सा आएगा कि भाई ये लेट आया, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत कि लेट आया, लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें मैं हॉस्पिटल एडमिट करा के आया हूँ, तो क्या मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा या नहीं, क्योंकि उसने मुझे क्या दे दिया, लॉजिक दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हर चीज को पढ़ने के लिए कुछ लॉजिक बताएंगे, और जरूरी हो सारे लॉजिक सही हो, तो कई लॉजिक मैं बना देता हूँ, ठीक है, कई लॉजिक बना देता हूँ कि जिससे कि चीजें समझ आ जाए। तो पूरे वर्डों पे मत जाना कि ये तो कोई बताए मुझे, ठीक है। अब जिनका लॉजिक मिला वो तो हमने बता दिया है ना। अब ये कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, स्टेट को रेवेन्यू लॉस के लिए कंपनसेट करने के लिए स्टेट ने बनाया, स्टेट दे रहा उसके लिए सब चीज। अच्छा, और कोई तो इस पे एक कहानी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसकी एक कहानी बता देता हूँ, कहानी से आपको आसान रहेगा, कुछ चीजें हम कोशिश करेंगे कहानियों से समझे, कहानियों से चीजें आसान रहती है भाई। देखो, ठीक है, मैंने आपकी बुक में एक चीज और डाली है, ठीक है, जो आपके पास है ये बिफोर 246 से और आफ्टर 246 से, ठीक है, 246 से याद है ना, क्या, ठीक है, अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, पावर दी गई, तो ठीक है सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि बिफोर 246 से यूनियन लिस्ट में लिखा रहता था, यूनियन लिस्ट कौन सी, पार्लियामेंट वाली, कि ये लोग क्या लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी, क्या लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे ना, तो यहां पर क्या लिखा था कि ड्यूटी जोन एक्साइज कौन लगाएगी, पार्लियामेंट, किस पे, ठीक है, किस पे, तंबाकू एंड अदर प्रोडक्ट्स पे, किस पे, लेकिन एक्सेप्ट क्या, किसे छोड़ दिया, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे सेंट्रल का राइट नहीं था, इस पे सेंट्रल का राइट नहीं था, ठीक है, इस पे किसका राइट था, स्टेट का, किस पे, स्टेट का, किसका राइट था, स्टेट, भाई जिसे अपनी स्टेट को बिगाड़ना है, जिसे अपनी स्टेट को बिगाड़ना है वो बिगाड़े, हम तो लीकर पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, किसने बोल दिया, सेंट्रल ने, किसने बोल दिया, हमारे पास पावर नहीं है, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, यानी हम तो एक्साइज नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बात लिखी थी। बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज कौन लगाता था, कौन लगाता था, सेंट्रल, ठीक है जी, क्लियर हुई, एक्साइज लगती थी ना, क्योंकि देखो मैं ये वाली चीजें नहीं करा रहा आपको कि क्या क्या चीजें सब्ज्यूम हुई, आप ये यहां से पढ़ लेना, ठीक है ना, इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाएगा कि सेंट्रल जो टैक्स लगाती थी, ठीक है, ये सब खत्म हो गए, सर्विस टैक्स वगैरह, और स्टेट के ये टैक्स खत्म हो गए, तब जीएसटी आया, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो मेन बता रहा हूं, मैं कंपेयर करा रहा हूं दो चीजों का, किसका कंपेयर करा रहा हूं, कि बिफोर क्या होता था और आफ्टर क्या। तो जब आर्टिकल 246 ए नहीं आया था तो यूनियन लिस्ट में एक्साइज लगाता था कौन, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट लगाती थी, किस पे लगाती थी, सब पर, किस पे, किस पे नहीं लगाती थी, एल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगाती थी, और साथ में किस पे नहीं लगाती थी, ओपियम, इंडियन हैम, अदर ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। तो जब इन पे ये नहीं लगाते थे तो इस पर एक्साइज कौन लगाता था, इस पे कौन लगाता था, स्टेट, और स्टेट कौन सी एंट्री नंबर से लगाता था, 51 से, किस पे लगाता था सिर्फ एक्साइज, एल्कोहलिक लीकर पर और ओपियम, इन पर, जो चरस गांजा अफीम होते, तो भाई जिसे अपनी स्टेट को स्वस्थ रखना है वो नहीं लगाता था, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा रेट से लगाता था, सॉरी, ठीक है, जिसे अपनी स्टेट को स्वस्थ रखना वो क्या करता था, एक्साइज बहुत ज़्यादा रेट से लगा दिया, ठीक है, साथ में बराबर में हॉस्पिटल भी खोल दिया, शराब की फैक्ट्री भी लगा दी, ठीक है, पियो, बीमार हो के यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे शराब के ऊपर, ठीक है, शराब के ऊपर जीएसटी है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, लग सकता है फ्यूचर में, हाँ,
एक्साइज भी है उस पर जीएसटी के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी नहीं है तो उसकी जगह पर क्या है, एक्साइज है। क्या है? एक्साइज। कौन लगा रहा है? स्टेट। क्या लगा रही है? स्टेट। क्या इन फ्यूचर ठीक है सीजीएसटी एक्ट में चेंज करके क्या शराब के ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर आपको शराब के ऊपर जीएसटी लगाना है तो आपको संविधान चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर आप ऐसे इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं ना तुम्हें एक चीज और बताता हूं, ठीक है। अगर आपसे कल को कोई पूछे कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, ये कहां लिखी है जीएसटी की डेफिनेशन, तो बताओ क्या है, कहां लिखी है? बोलो बोलो। एक्ट में लिखी है? नहीं। एक्ट से बड़ा कौन? संविधान। तो जीएसटी की डेफिनेशन लिखी है संविधान में। किसमें लिखी है? संविधान में। संविधान में कहां लिखी है? अब निकालो किताब ना। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि होगा क्या कि जब भी मैं तुम्हें कोई चीज बताऊंगा तो हमें उसे अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, ठीक है। जीएसटी में जैसे हर चीज के सेक्शन है तो हर सेक्शन का मैं आपको यूज बता दूंगा, तो इसी तरीके से मैंने संविधान बताया। संविधान में हर चीज के लिए क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। तो क्या है, ठीक है, एक आर्टिकल 366 है। क्या है जी? आर्टिकल 366। उसमें क्या है? सब चीज की डेफिनेशन है। क्या है जी? सब चीज की डेफिनेशन। इसलिए वहां पर क्या है, एक हमने क्लोज इंसर्ट करी, नई क्लोज 12A। क्या करी जी? 12A, ठीक है। और हमने क्या बोला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, क्या बोला जी? तो डेफिनेशन जो जीएसटी की दी वो किसने दी? एक्ट ने नहीं दी। किसने दी? संविधान ने दी। संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 366 में अमेंड किया गया और वहां पर एक नई क्लोज इंसर्ट की गई 12A। क्या जी? जो वो डिफाइन करता है कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जब संविधान में ही लिख दिया कि जीएसटी का मतलब यही है तो आप कभी भी जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो डेफिनेशन में है ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन शुरू होती है मीन से, क्या जी? मीन से। तो मीन्स का मतलब होता है जो इसमें है बस वही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो है वो यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी है क्या? नहीं है। क्या लगा सकते हैं? और अगर लगाना है तो क्या करना है? संविधान को चेंज करो। और संविधान को चेंज करना आसान नहीं। सीजीएसटी एक्ट को चेंज करना आसान है, संविधान को चेंज करना आसान नहीं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुई यहां पर ये बात? ठीक है। तो अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कंपेयर। तो ऐसे कई बार मैं तुम्हें पीछे लेके जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हम गए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, गए ना आर्टिकल 366 पे, गए ना वहां पे डेफिनेशन देखी ना। तो जब भी हमें जरूरत होगी तो ये 6 पेज का जो है हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी ना तो है ना इन फ्यूचर होगा, अगर होगा तो संविधान को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भाई जीएसटी से पहले सेंट्रल क्या लेती थी? एक्साइज। हाँ ठीक है जी, सेंट्रल क्या लेती थी? एक्साइज। और स्टेट क्या लेता था? वैट। क्या लेता था? वैट। अब हमने क्या कहा, जब भाई संसद चल रही थी, काउंसिल की मीटिंग चल रही थी कि भाई अब जीएसटी को चेंज करा, जीएसटी को लाया जाए, तो भाई जब जीएसटी को लाया जाए तुम आर्टिकल 246A लियाओगे और नया जीएसटी लगा दोगे तो भाई पुराना भी तो हटाओ, पुराना हटाओगे तभी तो नया लाओगे। तो आर्टिकल 246 जो था पुराना, उसमें जो ये यूनियन लिस्ट में चीजें लिखी थी टैक्स लगाने की, तो ये पावर हटानी पड़ती उनकी यानी? बोलो, ये हटाओगे या नहीं? या इसे आर्टिकल 246 में जो लिखा है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें टैक्स लगे रहने दे? फिर तो डबल हो गया ना। तो हमने क्या करा, इसे विड्रॉ करा। तो जब विड्रॉ की बात आई तो हमने कहा सेंट्रल बताओ क्या क्या चीजें छोड़ोगी,
तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम अपनी जो नई एंट्री बनाएंगे एंट्री नंबर 84, हम उसमें लिख देंगे ड्यूटीज ऑन एक्साइज ओन, ठीक है। अब पहले क्या लिखते थे हम, ठीक है, तंबाकू एंड अदर प्रोडक्ट्स, क्या लिखते थे, और अदर में क्या आ गया, सुई से लेकर जहाज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि ड्यूटीज ऑन एक्साइज ऑन लगाएंगे सिर्फ इन 5 प्रोडक्ट्स पे, किस पे लगाएंगे, पेट्रोल, ठीक है, इन 5 पे। तो इसका मतलब अब एक्साइज सिर्फ इन 5 पे लगेगी और किसी पे नहीं। सेंट्रल जो एक्साइज लगाती है सिर्फ इन 5 पे लगाती है और किसी पे नहीं लगाती। क्लियर हुई मेरी बात। लेकिन एक छठा प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा नहीं भाई, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट, ये भी हमें दो, हम इस पर एक्साइज लगाएंगे ही, चाहे तुम जीएसटी लगाओ या मत लगाओ वो छोड़ दो, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते। तंबाकू वालों ने कहा क्या भाई, क्यों ऐसा क्यों, कह रहा भाई देखो तुमसे बड़ा प्यार है हमें, ठीक है, चैनी खैनी, ठीक है ना, तुम्हारा तंबाकू खा के तो तुम कहते हो ना कदमों में दुनिया, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारे तो कदमों में दुनिया है ही, ठीक है, तो हम तुम पर टैक्स लगाएंगे, एक्साइज लगाएंगे। तो सेंट्रल ने कहा हम तो एक्साइज लगाएंगे, जब मैं तुम्हें जीएसटी पढ़ाऊंगा, तो जीएसटी वाले ने जब जीएसटी लगाया तो उसने कहा इन 5 को तो छोड़ देते, किसे, पेट्रोल प्रोडक्ट्स को तो छोड़ देते, लेकिन हम इस तंबाकू पर भी क्या लगाएंगे, जीएसटी। मतलब कि तंबाकू वाले की डबल पिटाई, वो कहता मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, हमने कहा बंद कर ले, हमने कहा बंद कर ले, उसने कहा नहीं ठीक है कोई और नया टैक्स हो तो वो भी लगा दो, बंद मत करवाओ, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ठीक है ना, है ना, जुबा केसरी, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल लगता है। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता हो और एक्साइज भी लगता हो, तो क्या है, तंबाकू। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेंट्रल ने अपना एक्साइज हटाया नहीं और जीएसटी ने इसे माफ किया नहीं, और सारी स्टेट वाले एग्री हो गए कि दोनों पे लगाओ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ ऐसी स्टेट की बात, स्टेट ने कहा एल्कोहलिक लीकर पे तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हमारा, ठीक है, तो अब हम जो वैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, वैट लगाएंगे, या जो एक्साइज लगाएंगे, अभी स्टेट किस किस पे लगाती थी एक्साइज, ओपीएम पे, तो उन्होंने कहा भाई देखो अब होगा क्या कि जो ड्यूटीज और एक्साइज है हम इस पे से हटाएंगे नहीं। स्टेट ने कहा जैसे तुम नहीं हटा रहे तंबाकू पे से, तुम नहीं हटा रहे तो इस पे से ड्रग्स वगैरह पे हम नहीं हटाएंगे। तो इसके ऊपर भी क्या लगता है, एक्साइज लगती है, लेकिन किसकी एक्साइज लगती है, स्टेट की, और जीएसटी लगता है। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात या नहीं, बोलो जी। और जो ये वैट लगाते हैं ये किस पे लगाते हैं, 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे, जो हमारे 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स है और एल्कोहलिक लिकर। तो इसका मतलब वैट भी अभी खत्म नहीं हुआ, एक्साइज भी अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई जब ये मैटर हो रहा था, अभी मैं जब आपको आगे बढ़ाऊंगा, अच्छा अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर में ही पूछ लेता हूँ, एल्कोहलिक लीकर पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं लगता, एक्साइज लगती है, कौन लगाता है एक्साइज, क्या कौन लगाता है, स्टेट, ठीक है। वैट लगता है, हाँ लगता होगा, सेल पे लगता है जी, ठीक है, सेल पे लगता है, कौन लगाता है, स्टेट, अपने को कोई टेंशन उसमें नहीं है। अगली चीज मैं बात करता हूँ किसकी, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की। पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता आज की डेट में, लेकिन फ्यूचर में लग सकता है। क्या एक्साइज लगती है क्या, कौन लगाता है, ठीक है। यहां पर ये देखो, इस चीज को समझो कि यहां पर जो एक्साइज लगती है सेंट्रल भी लगाती है, ठीक है, और वैट जो लगाता है वैट लगाती है स्टेट, ठीक है। तो पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे 2 टैक्स लगे, एक्साइज वैट। एक्साइज किसने लगाई, सेंट्रल ने, एक्साइज,
ठीक है, यहाँ पर समझो यूनियन लिस्ट पे किसने लगाई एक साइड, सेंट्रल ने, और स्टेट ने क्या लगाया, वैट लगाया भाई, क्या लगाया, वैट लगाया, समझ आई, क्योंकि स्टेट जो तो एक्साइज दो ही जगह लगा सकती है, एक एल्कोहलिक लिकर पर, ठीक है, एक किस पे लगाती है, एल्कोहलिक लिकर पर, और ये ड्रग्स पे, ठीक है। चलो अब और बात कर लेते, ठीक है, तंबाकू, तंबाकू पर एक्साइज लगती है, जीएसटी लगता है, यस, एक्साइज कौन लगाता है, सेंट्रल, हाँ जी। ओपियम, ओपियम पर एक्साइज लगती है क्या, लगती है, कौन लगाता है, स्टेट लगाती है, हाँ जी बोलो, लगाती है, जीएसटी लगता है क्या, लगता है, लगता है, ठीक है। तो अब यहां पर कंक्लूजन में क्या निकल गया, आ गया नोट कि तंबाकू और ओपियम एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। कल को अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहां पर बता दो। तो आपको इस चार्ट में ये थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करना होगा कि यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 84 क्या है, एक्साइज लगाने की, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, और इसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 51 किसकी है, एक्साइज लगाने की, और एंट्री नंबर 54 किस चीज की है, वैट लगाने की, और इन दोनों को चेंज करके ये नया लगा दिया, क्लियर है। तो जब ये डिस्कशन हो रहा था, अब देखो मैं क्वेश्चन कुछ और उठाया था, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। अब जब लेकिन वो बताना है तो पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा अब जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगेगा तो हमने कहा सेंट्रल तुम क्या क्या छोड़ रहे हो, सेंट्रल ने कहा मैंने अपना सर्विस टैक्स छोड़ दिया, क्या आप सेंट्रल सर्विस टैक्स लगाती है, नहीं, मैंने अपनी एक्साइज छोड़ दी, मैंने क्या करा, एक्साइज छोड़ दी, तो वैट वालों मतलब स्टेट वालों तुम भी अपना वैट छोड़ दो, तुम भी अपना वैट छोड़ दो, तुम भी अपना लग्जरी टैक्स छोड़ दो, तुम भी अपना एंटरटेनमेंट टैक्स छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ तो दे हम, उन्होंने कहा छोड़ तो दे, लेकिन अभी तो हमें आता है एक लाख करोड़, भाई हमारी स्टेट चलती थी से, और जीएसटी लगने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें आएगा सिर्फ 50,000 लाख करोड़। तो ममता दीदी ने कहा हम ये जीएसटी नहीं लाने देंगे, जीएसटी का विरोध हुआ था या नहीं, हम ये जीएसटी नहीं लाने देंगे, कुछ स्टेट इसके अगेंस्ट चली गई, कुछ स्टेट इसके अगेंस्ट चली गई। ये बात बता रहा हूं मैं जब जीएसटी को लाने की चर्चा हो रही थी कि भाई हम जीएसटी को नहीं लाएंगे क्योंकि जीएसटी के आने से हमारी स्टेट का रिवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्या जी, कि जहां पर कंज्यूम होगी चीजें उसे टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो भैया कुछ दीदी यहां पे नाराज हो गई, हो सकता है एके जी भी नाराज हो गई हो, अरविंद केजरीवाल। अब एक चीज बताओ, अगर दो स्टेट नाराज हो जाए या एक स्टेट नाराज हो जाए तो जीएसटी लाया जाएगा क्या, सहमति तो चाहिए, सहमति तो चाहिए। तो अब वहां पर अमित शाह जी बैठे हुए, उन्होंने कहा केजरीवाल बात सुन, तुझे नुकसान नहीं होगा, उसने कहा नहीं होगा नुकसान दीदी, नुकसान होगा जीएसटी के आने से। तो हल्ला होने लगा, तो यहां पर अमित शाह जी ने बोला कि भाई देख बात सुनो, वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि जीएसटी से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हुआ भी तो हम इसकी भरपाई करेंगे, हम इसकी क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। केजरीवाल ने कहा ऐसे नहीं, लिख के दो, कैसे नहीं, लिख के दो कि अगर हमारी स्टेट का नुकसान हुआ तो जिस जिस स्टेट का जो भी नुकसान होगा, जो भी एक बेस रिवेन्यू है, जो भी एक बेस रिवेन्यू, और जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद अगर वो रिवेन्यू नहीं आया, अगर जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद वो रिवेन्यू अगर हमारे को नहीं आया तो जो भी रिवेन्यू में कटौती होगी वो सेंट्रल सेंट्रल देगा। और सेंट्रल ने इस बात को लिखा तो उस एक नया कानून बना, और उस कानून का नाम क्या दिया गया, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, 5 साल तक, कब तक, 5 साल तक देंगे,
पांच साल के बाद तो जीएसटी बड़ा हो जाएगा बच्चा, ठीक है, फिर तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। पहले तीन साल की बात थी शायद, फिर उसे बढ़ा के क्या करा, पांच साल। अब इन्होंने कहा लिख तो दिया तुमने कि तुम हमें कंपनसेट करोगे, लेकिन तुम्हारी तो जेब में खुद में पैसे नहीं है, तो तुम हमारे को पैसे लाओगे कहां से? भाई लेट सपोज आप अपने दोस्त को मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो तू चल तेरे टिकट के पैसे मैं दूंगा, तू चल तेरे टिकट के पैसे मैं दूंगा। अब तुम्हारे दोस्त का तू दिखा टिकट के पैसे, तेरे पास है भी या नहीं है? और उन्होंने पूछा कि तुम ये पैसा लाओगे कहां से, तो इन्होंने क्या करा, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट में ही लिख दिया कि हम कुछ चीजों पर सेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जिसका नाम होगा कंपनसेशन सेस। क्या होगा? कंपनसेशन सेस, कुछ चीजों पर लगाएंगे और उससे जितना भी कलेक्शन आएगा, ठीक है, वो सेंट्रल अपनी जेब में नहीं रखेगा, उसकी भुगतान किसे कर देगा? स्टेट्स को। क्लियर हुई है वाली बात? तो ये जो कंपनसेशन सेस है ये कुछ चुनिंदा आइटमों पे लगता है, जैसे लग्जरी कार्स, कार हो गई, तंबाकू, मतलब सिन गुड्स जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो हमारे को उतना नहीं पड़ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी इंडस्ट्री पे कंपनसेशन सेस लग रहा है, ठीक है, तो क्यों लग रहा है? ठीक है, क्योंकि स्टेट्स को भरपाई करनी है। हो सकता है ये कंपनसेशन सेस पाँच साल बाद ये ख़त्म हो जाए, 17 से लगा था पिछले अगले साल, या कुछ इसकी जगह कुछ और नया लगा दे अगर स्टेट का कंपनसेशन देना बंद हो गया तो। क्लियर हुई है वाली बात? तो ये हमें कंपनसेशन सेस भी थोड़ा सा कभी कभी जिक्र में आएगा, या जब भी कभी तुम अपनी 3B और 1 देखो और वहां पर तुम्हें रिटर्नों में, जीएसटी की रिटर्नों में लिखा आ जाए कंपनसेशन सेस, तो समझ लेना ये किसकी वजह से निकल कर आया है, स्टेट की भरपाई के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी रायता ना फैलाती तो ये एक एक नया एक्ट नहीं आता, ठीक है, उन्हें ये एश्योरिटी देने के लिए कुछ चीज़ों पर लगाया गया है, ठीक है। हो सकता है ये आगे और पोस्टपोन हो जाए, 5 की जगह 10 सालों तक हो जाए, ठीक है, तो और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। अब इसके बाद भाई डिस्प्यूट तो है, लॉ में कुछ बातें गलत है, जैसे मान लो सेक्शन 16(4), आप आगे चल के देखोगे बड़े नोटिस आए हैं 16(4) को लेकर, ठीक है। तो अब जब ये नोटिसेस आए गलत हैं तो इन पे डिस्प्यूट तो होगा, डिस्प्यूट कौन सॉर्ट आउट करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो भैया इन सब को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या पढ़ने पड़ेंगे? केस लॉ, ठीक है, चाहे वो अभी तो ज्यादा आए नहीं तो हाई कोर्ट्स के तो पढ़ने ही पड़ेंगे, है या नहीं? तो तब जब ये सारा तुम पढ़ लोगे तब तुम कहोगे हाँ हमें थोड़ा बहुत जीएसटी आता है। तो अब आपको बाउंड्री क्लियर हुई या नहीं कि हमारी बाउंड्री क्या है? हाँ, तो हम अपने 150 घंटे में इस बाउंड्री के अंदर खेलेंगे, जीएसटी की दुनिया, ठीक है, इस एक पेज से शुरू और यहीं पे ख़त्म है। कुछ मैं भूल गया हो तो मुझे बता देना। आपको बताया ना कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको हमें व्हाट्सअप करना है, इस पर आपकी वीडियो नहीं चल रही, आपको कंटेंट में कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी, मतलब गलती कुछ भी होगी, ठीक है ना, तो हम उसे सुधार लेंगे, ठीक है। क्लियर हुई? तो आज हमने क्या करा, अपनी बाउंड्री तय कर ली और हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया। अब आप जब भी मुझे कोई बताओ, कोई भी कुछ चीज़ बताओगे तो आप भी मेरी नॉलेज बढ़ा सकते हो कि नहीं सर ये बात ऐसे लिखी है, लेकिन जब भी आप मुझे कोई चीज़ बताओगे तो आप मुझे बताओगे ये बात इसमें लिखी है सीजीएसटी एक्ट में, ये बात इस रूल्स में लिखी है, ये अमेंडमेंट एक्ट में लिखी है, ये इस हाई कोर्ट की जजमेंट में था, ये इस सर्कुलर में था, ये इस नोटिफिकेशन में था, मुझे क्या नहीं बताओगे कि सर ये मैंने गूगल पे देखा, ये सर मैंने इसकी साइट पे देखा, मैंने ये किसी से सुना। कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ जो मुझे एविडेंस ला कर दोगे वो इससे सपोर्ट होना चाहिए। अगर तुमने मुझे एविडेंस ला के दिया कि सर ये सीजीएसटी एक्ट 2017 में लिखा है और मैंने वो बात लिखी हुई तुम्हें दिखा दी, चेंज हुई फाइनेंस एक्ट 2019 में, तो किसकी बात मानी जाएगी? मेरी। तुम मेरे को लेकर आए कि सर इस नोटिफिकेशन में बात लिखी है, ठीक है, तुम मेरे पास लेकर आए इस नोटिफिकेशन में बात लिखी है, मैंने तुम्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखा दी, तो किसकी मानी जाएगी? मेरी।
क्लियर है? तुमने बोला कि ये रूल्स में बात लिखी गई है, मैंने तुम्हें एक्ट में दिखा दी, तो किसकी बात मानी जाएगी? मेरी, क्योंकि रूल्स कभी भी एक्ट से ऊपर नहीं हो सकते। हालांकि सारे जो रूल्स बने हैं वो सिस्टमैटिकली बने, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे आएंगे जो एक्ट को ओवर रूल तुम्हें दिखाई देंगे, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि बाद में उस एक्ट को चेंज किया गया, लेकिन इसके दायरे से बाहर नहीं जाएगा कोई भी। मुझे बड़ा गुस्सा आता जब कोई क्वेरी पूछता है कि मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था। मैं क्या बोलता हूँ? नोटिफिकेशन ला। मैं बोलता हूँ लिखा हुआ दिखा। तो आपको भी जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा मैं इसी में से बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है मेरी बात या नहीं? समझ आया हमारा पैटर्न? तो भाई यही तुम्हारी बाउंड्री है, यही तुम्हारी गीता बाइबल कुरान है, ठीक है? जैसे तुमने मूवी देखी होगी मैरी कॉम, देखी मूवी? हाँ, मैरी कॉम में उसमें क्या होता है, जो उसका कोच होता है ना, वो पूछता है मैरी कॉम से कि दुनिया कैसी है। मैरी कॉम कहती है दुनिया गोल है। कहते हैं नहीं, ठीक है, आज के बाद तुम्हारी दुनिया ये 20x20 का रिंग है, तुम्हारी दुनिया बस ये है। तो अगर कोई मेरे से पूछे जीएसटी की दुनिया क्या है ये, ठीक है, ये बाउंड्री आज मैंने तुम्हारे लिए खींच दी, इससे बाहर अभी हम कोई और बात नहीं करेंगे, और जो भी बात करेंगे इसे सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। क्या ये जरूरी था या नहीं था? बोलो, जरूरी था या नहीं? आपको लगेगा कि नहीं सर ने तो हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, ये पता नहीं क्या पढ़ा, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर आपको लंबा जाना है। अगर कंप्लाइंस वालों को जाना है ये कोई जरूरी शायद ना हो, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नींव है अगर पिलर बड़ा बना रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेरी टेंट लगा रहे हो तो उसमें क्या नींव, ठीक है ना? टेम्परेरी टेंट में कोई नींव की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अगर मजबूत बिल्डिंग बना रहे हो तो हमने नींव पर 1.5 घंटा लगाया, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि जब मैं अब तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैंने जैसे कुछ सेक्शनों को यूज कर लिया, बातें करते करते आपसे सेक्शन 16-4 यूज कर लिया ना, तो हो सकता है मैं कोई और सेक्शन भी यूज करने लग जाऊं। तो आज मैं तुम्हें क्या करूंगा, जीएसटी के जो 174 सेक्शन है उसे ना 1 घंटे में रिव्यू करा दूंगा, कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सर अगर 16-4 की बात कर रहे हैं तो कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं और हमें देखना क्या है, ठीक है? चले तो अब आप निकाल लो, ठीक है। और भैया ये जो नोट्स आपको मिले हैं ना, इसमें देखो थोड़ी सी गलतियां हो सकती है, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा वो ठीक करा दूंगा, और जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई तुम्हें क्लास में और उसमें लिखी हुई है तो अगर उसमें मिस्टेक है तो वो अपने लेवल पर कर लेना, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ हमारे जो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स है या जो फेस टू फेस स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए, बाहर किसी को देना मत, वो कहे कि ये गलती है, ठीक है, तो बोल देना हाँ भाई गलती है, कोई बात नहीं, हमें तो वो चीज़ पढ़ाई नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो? चलो तो अब हमने क्या करा, तुम्हारे लिए एक चार्ट बनाया, ठीक है। ये चार्ट क्या है, इसमें क्या है 174 सेक्शंस लिखे लाइन से, और साथ में उस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई रूल है तो वो साथ में लिख दिया, उस सेक्शन से रिलेटेड कोई फॉर्म यूज होना है तो वो साथ में लिख दिया, और साथ में उसका क्या लिख दिया, सब्जेक्ट मैटर, कि ये किस सब्जेक्ट मैटर पे बात करेगा, और साथ में क्या लिख दिया कि ये सेक्शन कब अमेंड हुआ है। तो ये वाला जो कॉलम है ये अभी पूरा हमने कंप्लीट नहीं करा, इसे हम टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और बाकी ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंप्लीट हैं तो वो आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। चलिए तो इन सेक्शंस का रिव्यू कराने के लिए, इस सेक्शंस का रिव्यू कराने के लिए, रिव्यू कराते कराते मैं कुछ सेक्शन पढ़ा भी दूंगा। तो हमारा ये वादा है आपसे कि ये जो 174 सेक्शन है तो सारे तो नहीं कराएंगे, लेकिन इसमें से 80-90-100 सेक्शंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो हम आपको करा देंगे। तो जब भी मैं कोई सेक्शंस कराऊँ तो आप उस पर टिक कर लें कि हाँ जी ये मेरा सेक्शंस हो गया, ठीक है। अब जैसे रूल्स हैं हमारे, रूल्स कितने पढ़े थे हमने ऊपर, 162, तो हम सारे रूल्स तो नहीं कराएंगे, लेकिन रूल्स क्या होते हैं, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो आप खुद भी रीड कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे हम कराएंगे, तो आप वो रूल्स पे टिक कर ले, ठीक है जी। लेकिन जब हम सेक्शंस कराएंगे 90-100 सेक्शंस, उस सेक्शंस को कराते कराते हम आपको लाइन बाई लाइन रूल्स ना कराएं, लेकिन जनरल लैंग्वेज में काफ़ी रूल्स आपको करा देंगे, ठीक है। जो आपको ये पेंडिंग बच जाएगा वो आपको अपने घर से करना है, जो यूज़ के नहीं होंगे मैं आपको बता दूंगा, भाई अगर कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है,
ठीक है जी। और अगर आप कहते हो नहीं हमें तो 174 सेक्शन पढ़ाओ, हमें तो पूरे 162 रूल पढ़ाओ, IGST के भी 25 सेक्शन, IGST के भी रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा एक्ट पढ़ाओ, तो ये कोर्स 150 घंटे का नहीं होगा, फिर कितने का होगा? 300 घंटे का हो सकता है, 350 का हो सकता है। ना तो तुम में इतना पेशेंस, ठीक है, ना मेरे में इतना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस समुंदर में से जो अपने काम का है वो निकालें। क्लियर हुआ क्लास का ऑब्जेक्टिव? समझ आया कि आगे चलना क्या है? ठीक है, तो कई लोग कहते हैं 174 के 74 नहीं, ठीक है, लेकिन 80-90-100 सेक्शंस, ठीक है, मैं कराऊंगा और मुझे जो लगता है कि हाँ ये नीडेड है। तो स्टार्ट करें पहले सेक्शन से, चलिए ठीक है। ये चार्ट क्लियर हुआ कैसे पढ़ना है? हाँ, चार्ट से आसानी हो जाएगी आपको या नहीं हो जाएगी? हाँ, तो आपका क्या बन जाएगी, एक बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाँ, GST की फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? GST की फुल फॉर्म। अरे सर क्या चिंटू सी बात है, तो मैंने लिख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर आपने कोई एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, नोटिस का रिप्लाई दे रहे हो, अपील में जा रहे हो, और आपने ये लिख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये नंबर आएंगे 0/0। क्या आएंगे? 0/0। अरे सर क्या बात है, अब मैं दोबारा लिखता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सी ठीक है, पहले वाली? क्या जी, तुम तो पहले वाली को भी ठीक बता रहे थे, पहले वाली को भी ठीक बता रहे थे या नहीं? हाँ बोलो, बता रहे थे ठीक या नहीं? तो भाई जितने भी नोटिसेस आते हैं, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, सबके रिप्लाई में ये लिखना, सर नोटिस पे तो ये लिखा था कई जगह, मैंने कहा उनकी गलती है मत, वो उनकी गलती, उन्होंने पढ़ाई नहीं। अगर वो KJ क्लासेस की क्लास ले लेते तो वो जब वो अपना नोटिस ड्राफ्ट करेंगे वो सर्विस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर्विसेज। कई ऑफिसर्स को तो मैं जब बात करता हूँ, मैं बोलते तो मैंने कहा सर स्पेलिंग तो ठीक कर लेते, GST की फुल फॉर्म तो ठीक कर लेते। तो इससे क्या पड़ता है, अब इसमें क्या लगा तुम्हें कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया? कॉन्फिडेंस। अब एक दिन मैं बैठा डिपार्टमेंट में और उन्होंने नोटिस दिया, कह रहे जैन साहब तुम्हारे क्लाइंट ने बहुत गलतियां कर रखी है। मैंने कहा गलतियां तो सर आपने भी कर रखी हैं। मैंने कहा नोटिस में GST की स्पेलिंग ही गलत कर रखी है, तो मेरे क्लाइंट ने अगर छोटी मोटी 3B में गलती कर दी तो क्या हो गया? कह रहे क्या गलती कर रखी है? मैंने कहा सर्विस नहीं होता, सर्विसेज होता है। क्या होता है? उन्होंने कहा क्यों मानूं मैं जैन साहब तुम्हारी बात, हैं? उन्होंने कहा सबूत दो। क्या दो? एविडेंस दो। अब मैं एविडेंस कहां से निकाल के देना बताओ मुझे, जो मैंने बाउंड्री बनाई है और वो मैं रखता ही हूँ साथ में, ठीक है। उन्होंने कहा जैन साहब तुम्हारी तो किताब पे भी सर्विस लिखा हुआ है। मैंने कहा ये भी गलत है, लेकिन किताब लो थोड़ी हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, लो। क्या दिखाऊंगा? लो। तो लो दिखाऊ, आप या मेरी बात मान गए? मान गए? एविडेंस चाहिए? हाँ जी नहीं भी चाहिए, कह रहे नहीं हमें भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, तो GST का पहला सेक्शन हमें सबूत देता है। पहले सेक्शन का टाइटल पढ़ो, सब्जेक्ट मैटर पढ़ो, क्या है? कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिसमेंट, कि हम तुम्हें नाम बताएंगे अपना। क्या बताएंगे? हम नाम बताएंगे। जबकि कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नामकरण कर दिया जाता है या नहीं, है ना? क्यों करते हैं नामकरण बच्चे का? इस नाम से पहचाना जाए। अगर उसका नामकरण नहीं करा तो लोग बाग अलग अलग नाम बोलेंगे, टोलू मोलू गोलू पप्पू, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म ले तो इसका नाम पहले से कर दो। तो सेक्शन 1 ने इस जिम्मेदारी को उठाया और सेक्शन 1 ने क्या लिखा, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो भाई तो हम पहले पढ़ते हैं सेक्शन 1। क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 1। तो CGST एक्ट हमने खोला और हमने इसका क्या निकाला, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जब हम इसका पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 में हमें बताया जाएगा कि भाई इसे ये इस नाम से पुकारा जाए। क्लियर है मेरी बात या नहीं, बोलो? तो सेक्शन 1 क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट आई होगी क्या सेक्शन 1 में?
अब भाई अब कई लोग इसे कह रहे हैं जीएसटी इज अ गब्बर सिंह टैक्स, तो अगर तुम्हें इसे गब्बर सिंह टैक्स बुलाना है तो सेक्शन 1 को अमेंड करो, ठीक है। अदरवाइज कोई गब्बर सिंह टैक्स कह दे तो गलत है ना, उस पर तो मेरे हिसाब से केस भी कर देना चाहिए क्योंकि तुम गलत नाम से पुकार रहे हो। तो भाई सेक्शन 1 क्या कहता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड क्या जी, मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड, यहां पे वर्ड क्या है, क्या लिखा है, सर्विस। और अगर मेरी बात को अब तुम मेरे इस एक्ट को ना मानो तो मैं तुम्हें संविधान से दिखा दूं। जीएसटी की फुल फॉर्म देखी थी ना, जीएसटी मींस, ठीक है आप या नहीं तो यहां से देख लो। तो यहां पे वर्डिंग क्या है, सर्विस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आप नोटिसेस देखोगे, अपील्स देखोगे या कहीं पर भी कुछ लिखा देखोगे, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से चाहे नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यहां पर मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं 20%। एग्री कर रहे हो मेरी बात से या नहीं, हाँ। तो यहाँ पर क्या कंप्लाइंस वालों को इसकी नीड है, नहीं। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो नीड है ना। कितनी देर लगी हमें एक सेक्शन को पढ़ने में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कहानियों के साथ पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा तो 20 मिनट लग गए। लेकिन ये 20-20 मिनट करके ये जो कोर्स होता है ये 40 घंटे से 140 का हो जाता है। तो आपको फर्क देखना है कि इस कोर्स में और बाकी कोर्सेज में फर्क क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं चाहता कि भाई जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप ये लिख लो, ये मान लो। लेकिन मैंने पहले आपसे पूछा, फिर मैंने आपको बताया ये कहाँ लिखा है, एक दो कहानी भी ऐड करें। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्लियर हो गया हमारा, पहला सेक्शन क्लियर हो गया, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। चलो इसमें एक चीज़ और पूछ ले, तो जीएसटी लगता है दिल्ली पे, लगता है नहीं लगता, यूपी, हरियाणा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार इंडिया में ही है, ठीक है ना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर J&K में लगता है, देख लो, देखो जम्मू एंड कश्मीर में लगता है क्या। अब आप किसी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहे हो और आपने कहा कि गीता कुरान बाइबल सर ने बोला यही था, और आपने क्या बोला कि सर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता, उसने कहा सबूत, आपने सबूत दे दिया कि सर आप ये देख लो एक्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने कहा भाई नहीं, ठीक है, नहीं भाई ऐसा नहीं। तो जब जीएसटी आया पूरे हिंदुस्तान में लगा, लेकिन कहाँ नहीं लगा, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा, लेकिन आज की डेट में लगता है। जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी कब से लगा है, 8 जुलाई से, कब से, 8 दिन बाद, कब से जी, किसकी वजह से, क्यों, ऐसा क्यों, बोलो जी, किसकी वजह से ऐसा क्यों, पता है इसके पीछे की कहानी, सुननी है कहानी, क्या करोगे सुन के, अब तो 8 जुलाई से सब पूरे इंडिया में, या सुननी है, हाँ बता दूँ, चलो शॉर्ट में बता देते, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, जब जीएसटी कानून बना, ठीक है, कब बना, 2017 इम्प्लीमेंट हुआ, तो सब स्टेट्स को बुला लिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर जो हमारी मुख्यमंत्री थी कौन थी, महबूबा, ठीक है। अब हमारे संविधान में बात लिखी हुई है, लिखी हुई थी, है नहीं, लिखी हुई थी आर्टिकल 370, ठीक है, वहाँ पर ये लिखी हुई थी कि भाई साहब कुछ भी कानून बनाओगे तो जब तक जम्मू एंड कश्मीर की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता था ये तो पता ही होगा, ऐसा क्यों होता था, ये कहानी 1947 की है, ठीक है। 1947 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के गए तो उन्होंने कहा हमने तो 2 टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब जिस स्टेट को हिंदुस्तान में जाना है, जिस राजा को हिंदुस्तान में जाना वो हिंदुस्तान में जाए, जिसे पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाए, और साथ में ये भी बोल दिया अगर किसी को अलग मुगल एक और चाहिए तो वो अपना अलग भी बना ले। तो क्या हुआ भाई, कोई हैदराबाद वाले, ठीक है, अब कोई दिल्ली वाला, कोई जयपुर वाला, अब दिल्ली वाले कहाँ पे गए होंगे, अरे वो तो हिंदुस्तान में ही आए होंगे, ठीक है। जो कराची वाले होंगे राजा, वो किस में गए होंगे,
पाकिस्तान में ही चले गए। अब ये जम्मू कश्मीर रह गया। अब ये जो था, ये था राजा हरि सिंह। कौन था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कहा ना तो मैं जाऊंगा हिंदुस्तान में, ना जाऊंगा पाकिस्तान में, मैं तो अलग बनूंगा। अब नेहरू जी ने बड़ा समझाया इन्हें, अरे भाई अलग अलग मत रहो, ये अंग्रेज जैसे ही जाएंगे ना पाकिस्तान तुम पे कब्जा कर लेगा। उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास सेना है, मैं अपना अलग ही रहूँगा। अब अंग्रेज अपने घर भी नहीं पहुँचे थे ठीक से, वो रास्ते में ही नहीं थे, रास्ते में ही थे, लंदन भी नहीं पहुँचे थे। अब नेहरू जी ने कहा अपने को तो कोई मतलब नहीं भाई, अपने को तो अपना हिंदुस्तान ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान ने क्या करा, ठीक है अटैक कर दिया, चढ़ाई कर दी जम्मू कश्मीर पे। अब राजा हरि सिंह भागे भागे दौड़े दौड़े आए किसके पास, नेहरू जी के पास। उसने कहा बचाओ बचाओ। उसने कहा तू तो क्या था, तेरे पे बाजुओं में दम है, तू तो रोक लेगा ठीक है। उसने कहा देखो अभी ना मजाक का वक्त है नहीं, अभी पहले पाकिस्तान से निपटते, आप इन्हें भगाओ। तो हिंदुस्तान ने अपनी सेना भेजी, ठीक है हिंदुस्तान ने अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान को हटा दिया ठीक है। अब उसके बाद राजा हरि सिंह से कौन मिलने गए, नेहरू जी। अब बताओ क्या करना है। उसने कहा अब भी मैं आज़ादी रहूँगा, मैं अलग ही नहीं मुल्क बनाऊँगा। उसने कहा देख मैंने तुझे बचाया ठीक है ना, और आज भी तू ये कह रहा है कल को फिर पाकिस्तान अटैक कर देगा। उसने कहा देख चल हम तुझे आज़ादी रखते हैं, लेकिन तू किस में आ जा, हिंदुस्तान में आ जा। किस में आ जा, हिंदुस्तान में आ जा, लेकिन हम तुझे आज़ाद रखने के लिए अपने संविधान में ये बात लिख देते। किस में लिख देते, अपने संविधान में बात लिख देते कि हिंदुस्तान का कोई भी कानून तुझ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ कानूनों को छोड़कर, मिलिट्री ठीक है ना, या अंतरिक्ष वगैरह की चीज़ों को छोड़कर ठीक है, बाकी सारे तेरे पे होंगे। तो ये शर्त किसने डाली थी उस टाइम पर, नेहरू जी ने। तो इसलिए कोई भी कानून हर जगह लगता था, लेकिन कहाँ नहीं लगता था, जे एंड के में। तुम्हें बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़े होंगे, एक्सेप्ट जे एंड के, एक्सेप्ट जे एंड के। अब आर्टिकल 370 के बाद ये नहीं, ठीक है। तो महबूबा नहीं मानी थी, कब नहीं मानी थी, स्टार्टिंग में 1 जुलाई में नहीं मानी। अब ये मोदी जी की नाक का सवाल हो गया, तो मोदी जी गए महबूबा को मनाने। अब ऐसा हो सकता है कि मोदी जी जाएं और महबूबा ना माने, तो महबूबा मान गई, लेकिन कितने दिन बाद मानी, 8 दिन बाद मानी। और उसकी वजह से ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है ठीक है, फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आ गया तो बता देता हूँ। एक नया एक्ट बनाया गया ठीक है, एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया ठीक है ना, एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, CGST एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ठीक है जी। और ये कब फोर्स में आया, 8 जुलाई 2017। तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान में GST कब से है, पूरे हिंदुस्तान में 8 जुलाई से है, और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 1 जुलाई से। तो आज भी ठीक है, आज भी ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है। कल को कोई तुम्हें एविडेंस देने लगे कि CGST एक्ट में तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, और तुमने कहा यही हमारी गीता कुरान बाइबल है ठीक है, तो एक एक्ट और पढ़ लेंगे सिर्फ इसी लाइन के लिए, सिर्फ इसी लाइन के लिए। क्लियर हुआ जी, सेक्शन 1 क्लियर है ठीक है। चलो तो सेक्शन 1 का हमारा पर्पज निकल गए, 2 पर्पज हमने इसके देख लिए ठीक है भैया। अभी हम रूल्स की बात नहीं करेंगे है ना ठीक है, हम बेसिकली सेक्शन ही पढ़ेंगे ठीक है, और लेकिन उसके कोरोस्पोंडिंग जो रूल्स होंगे वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उसे होमवर्क में पढ़ेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेंगे। तो रूल 1 आप पढ़ लेना ठीक है जी। अब उसके बाद सेक्शन 2 है हमारा, सेक्शन 2 किस चीज़ का है, सेक्शन 2 है कि भाई देखो अब हमने कानून बना दिया, तो हर कानून में सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का, क्या होता है कि भाई इस कानून को बनाने में हमने 174 सेक्शंस में बहुत शब्दों का यूज़ किया है। हमने यूज़ किया एग्रीगेट टर्नओवर का, कई जगह यूज़ हुआ होगा या नहीं, हमने यूज़ किया होगा टैक्सेबल टर्नओवर का, हमने यूज़ किया होगा टैक्सेबल पर्सन का, हमने यूज़ किया होगा स्टेट वर्ड का, हमने यूज़ किया होगा यूनियन टेरिटरी वर्ड का, करा होगा सारे शब्दों का यूज या नहीं। तो भाई इन शब्दों को पढ़ने से पहले तुम इनका मीनिंग समझ लेना, क्या समझ लेना इनका मीनिंग। तो सेक्शन 2 क्या चीज़ बताता है, डेफिनेशन, क्या बताता है, डेफिनेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है कि GST के अंदर टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है, तो आप क्या चेक करोगे, सेक्शन 2 क्या चेक करोगे, सेक्शन 2 में जाके उसकी डेफिनेशन। अगर मैं बोलूं कि एग्रीगेट टर्नओवर,
जब आपको मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर वर्डिंग लिखी होगी कि अगर किसी की एग्रीगेट टर्नओवर, अब मान लो अभी इनवॉइसिंग की बात करें तो इनवॉइसिंग में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 100 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब भाई एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है, तुम कुछ और समझो मैं कुछ और समझू, तो तुम्हारी और हमारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, नहीं सेक्शन 2 की यार, अभी तुम गवर्नमेंट पे हट गए हो, ठीक है, किसकी चलेगी, सेक्शन 2 की। तो कोई भी डेफिनेशन पढ़नी है तो किसमें जाना है, तो कितनी डेफिनेशन लिखी होगी इसमें अंदाजा, 100, 120, 118, 120 डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब जब हमारे को किसी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तब हम पढ़ लेंगे, या आज पहले सारी 120 डेफिनेशन पढ़ा दूं बोर हो जाओगे, है ना। तो हमें जीएसटी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि मजे ले लेंगे, ठीक है, मतलब बोरिंग ना लगे। तो जब भी हमें कोई वर्ड की डेफिनेशन चाहिए होगी तब हम इसे खोलेंगे, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन यहीं से लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम डेफिनेशन हम यहीं से लेंगे, ठीक है। चलिए तो सेक्शन 2 भी पढ़ा दिया मैंने, हैं, या पूरा पढ़ाना है ना, लेकिन टाइम टू टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है, रूल की हम बात नहीं करते। अब आ जाता है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 चैप्टर 2, ठीक है, हम चैप्टरों में बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 की बात नहीं करेंगे, तो आपको दायरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 2 की हेडिंग क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या जी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप जीएसटी ऑफिसर है, अगर आप सरकार के आदमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं करना है, असेसी क्या करेगा, असेसी तो कुछ नहीं करेगा, हम तो एज ए कंसल्टेंट कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए 4 सेक्शन है, 3, 4, 5, 6, इसमें बताया है कि ऑफिसर्स कौन कौन है, कैसे कैसे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, ऑफिसर्स की पावर कौन सी है। तो जब आप अपील्स वगैरह पे जाएंगे तो हम बीच में एक आध सेक्शन पढ़ेंगे इसमें से, अगर पढ़ा तो, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, या क्रॉस पावर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, कि भाई एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति थप्पड़ मारे, ठीक है ना, ये नहीं कि कभी स्टेट वाले ने थप्पड़ मार दिया, कभी सेंट्रल वाले ने। तो अगर हमारा वो मैटर्स आता है तो उसके लिए हमें ये 4 सेक्शन पढ़ने हैं, अदरवाइज हमें ये सेक्शंस नहीं पढ़ने, ठीक है, क्योंकि ये किस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है। इसका कोई रूल है क्या, कोई रूल वूल है नहीं, ठीक है, काम खत्म, हाँ, अब आ जाओ, ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, क्या बात करें जी, यही तो सारा जीएसटी है, ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन। तो जब हम बात करेंगे लेवी एंड कलेक्शन की, तो यहां पर लिखा हुआ है कि जीएसटी लगता है सप्लाई पे, किसके पे लगता है, अब भाई सप्लाई है क्या, तुमने बोला जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे, तो हम ये पूछेंगे सप्लाई है क्या। तो अगर कोई चीज जीएसटी जब लगेगा सप्लाई पर, तो सप्लाई है क्या, तो हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सप्लाई, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्शन 7, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो सर आज क्या पढ़ोगे, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9, क्या स्टार्ट करेंगे सर, ये इसमें ऐसा क्या है जो आपने सेक्शन 9 ही स्टार्ट करा, मैंने कहा सेक्शन 9 का टाइटल पढ़ो क्या है, लेवी एंड कलेक्शन। अरे भाई पहले यही समझ लो कि लेवी एंड कलेक्शन, कि किस पर लेवी होगा और किससे कलेक्ट होगा। अगर हमें यही पता लग जाएगा कि लेवी एंड कलेक्शन क्या होगा तो मजे तो उसी में है ना, फिर ही तो आगे की बात करेंगे। क्या ये सेक्शन अमेंड हुआ है, हुआ है एक बार, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2018 से, ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 9(4) में, किसमें जी, 9(4) में, ठीक है, ये 9(4) का मतलब समझ गए, सेक्शन 9 और सब सेक्शन 4, ठीक है। तो आपके हाथ में जो नोट्स है ना, इन्हें और इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जहां पर ये अमेंडमेंट लिखा क्या लिख दो, 9(4) कि 9(4) में अमेंडमेंट हुई है, 9(1) ठीक था, 9(2) ठीक था, 9(3) ठीक था, 9(4) अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है जी। चलो तो मैं सेक्शन 9 से एक बार स्टार्टिंग करता हूं, तो मैं 3-4 सेक्शनों को लपेट लूंगा, ठीक है, आ जाओ। अभी पूरा सेक्शन नहीं पढ़ा रहा मैं 9, है ना, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए। अब जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, देखो हमारे को जीएसटी, मेरा जो तरीका है जीएसटी पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है, तो आपको लगेगा सर पहले स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ाऊँ, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, जिससे इंटरेस्ट भी बना रहे और हमें चीज़ें लिंकेज में भी रहे। और अगर आपने कभी भी जीएसटी इस हिसाब से पढ़ा तो आप जीएसटी को भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो अब आ गया हमारा क्या सेक्शन 9,
अभी हम वैसे पेरेंटिंग सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट को यूज़ कर रहे हैं, और कई लोगों का कहना ये होता है कि सर आप अपनी बुक बनाओ और उसे सिंपल लैंग्वेज में दो। मैंने कहा नहीं, अगर तुम नेट प्रैक्टिस जो कर रहे हो फास्ट बॉलर के साथ करो, तो मैं जो पढ़ाता हूँ मैं डायरेक्ट एक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जहाँ पर जो मेरे सॉफ्ट नोट्स मिलेंगे मिलेंगे, अदरवाइज हम सारी चीज़ डायरेक्ट एक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट रूल्स पढ़ेंगे और मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। और जब मेरे साथ पढ़ोगे मैं तुम्हें इसका इतना सिंपल बताऊंगा तो तुम्हें एक्ट पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, ठीक है। और बार बार हम सेक्शन बोलते रहेंगे और बोलते बोलते हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 किस चीज़ का है? लेवी एंड करेक्शन। लेवी का मतलब क्या? लगेगा। और कलेक्ट का मतलब कलेक्ट। तो जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 9 इसे पढ़ो, ठीक है। अभी जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़नी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोला जी इन्होंने? ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। क्या बोला जी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब हमने कहा ये सप्लाई क्या होती है, तो हमने कहा सप्लाई अगर तुम्हें पढ़नी है तो कौन सा सेक्शन पढ़ना है? बोलो सेक्शन 7। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इन्होंने कहा इंट्रा क्या होगा? क्या बोला जी? इंट्रा। तो अगर आपको याद हो मैंने जब अभी आपको संविधान पढ़ा रहा था तो उन्होंने इंटर स्टेट के लिए एक अलग चीज बनाई थी। क्या बनाया था? आईजीएसटी। क्या बनाया था? आईजीएसटी। तो यहां पर सीजीएसटी किस पे लगता है? सिर्फ इंट्रा पे। और इंटर पे क्या लगता है? बोलो भाई, यहां पर हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं पहले बोलो? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट। और सीजीएसटी एक्ट का कॉपी पेस्ट कौन सा एक्ट है? है या नहीं? तो सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम जीएसटी लगाएंगे किस पर? सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर? इंट्रा। किस पे? इसका मतलब इंटर पे सीजीएसटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर सीजीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसका चार्जिंग सेक्शन में नहीं है। क्या किस किस में नहीं है? और अगर चार्जिंग सेक्शन में इंटर लिखा होता यहां पर तो ये लग जाता। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि पहले ही पता लग जाए। तो अब ये मुद्दा आएगा, सर क्या चीज इंटर होती है, क्या चीज इंट्रा होती है, पता है तुम्हें? हाँ सर हमें तो पता है, तो तुम्हारे हिसाब से चले भाई, क्या चीज इंटर है, क्या चीज इंट्रा? केजरीवाल क्या बोलेगा कि सारी चीजें क्या हो? इंट्रा। और मोदी जी क्या बोलेंगे? इंटर। तो ये अधिकार किसे दिया जाए कि इंट्रा हो या इंटर, बताने का? इसे डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा सेक्शन 2 में, अभी भूल गए, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि क्या चीज इंटर हो क्या चीज इंट्रा हो, ये वाली पावर, ठीक है ना, ये वाली पावर क्या करा मोदी जी ने अपने पास रख ली। और जो आईजीएसटी बनाया, क्या बनाया जी? और आईजीएसटी बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट। तो आईजीएसटी एक्ट में लिखा है, किसमें लिखा है जी? आईजीएसटी एक्ट में हमें दो सेक्शन पढ़ने। कितने सेक्शन पढ़ने? दो सेक्शन। और वो दो सेक्शन हमें ये बताएंगे, वो हमें दो सेक्शन ये बताएंगे कि क्या चीज इंट्रा है और क्या चीज इंटर। आ जाओ मैं टिक करा देता हूं, आ जाओ सबसे लास्ट में आ जाओ अपनी नोटबुक के। अपनी नोटबुक के सबसे लास्ट में आ जाओ। और हम आईजीएसटी एक्ट में कितने सेक्शन पढ़ने हैं? सिर्फ 25। 25 में से दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जिस इन दो सेक्शनों को पढ़ने में कम हम लगाएंगे 2 घंटे। क्या लगाएंगे? 2 घंटे। और ये 2 घंटे लगा के हमें क्या पता लगेगा कि क्या चीज इंटर है और क्या चीज इंट्रा। तो कौन से दो सेक्शन है, टिक कर लेना भाई, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 में जो चीज लिखी है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, और जो सेक्शन 8 में चीज लिखी है वो इंट्रा। तो इसका मतलब सीजीएसटी एक्ट को पढ़ने के साथ साथ आईजीएसटी एक्ट पढ़ना जरूरी है। अगर कोई चीज इंट्रा ही नहीं है
और गलती से लगा दिया तुमने उस पर CGST, ठीक है, गलत हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर एक एक गलती की कीमत लाखों रुपए है, एक एक सेक्शन की कीमत लाखों रुपए है। तो कई बार जो लोगों के नोटिस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। आपने कई बार फेस करा होगा कि जो हमारी कई सारी गलतियां ऐसी है कि सर लगाना था CGST, लगा दिया IGST, लगाना था IGST, लगा दिया CGST, क्योंकि उन्होंने बेसिक फंडा ही नहीं पता। तो जब भी CGST लगेगा किस पे लगेगा, बोलो, इंट्रा पे, क्योंकि CGST का चार्जिंग सेक्शन में लिखा है। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं, बोलो जी, यहां पे क्लियर हुई? दो सेक्शन मैंने टिक करा दिया तुम्हारे, ठीक है। तो क्या चीज इंट्रा है, क्या चीज इंटर है, इसे बढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? CGST एक्ट में जवाब नहीं मिलेगा इसका, आईजे, क्योंकि अगर CGST एक्ट में लिखवा देते हम या SGST एक्ट में लिखवा देते तो केजरीवाल तो सब चीजों को क्या बोलता, इंट्रा। तो ये वाली पावर किसे दी गई, IGST में। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या आएगा, सेक्शन 7 और 8 IGST का, सिर्फ क्या वर्ड्स को समझने के लिए, इंट्रा, ठीक है, और इंटर। क्लियर है? अब उसके बाद है गुड्स और सर्विस। क्या जी? तो क्या होते हैं गुड्स? इसे समझने के लिए सेक्शन 2 में सेक्शन 52 पढ़ना पड़ेगा। सर्विस क्या होती है, इसे पढ़ने के लिए सेक्शन 2 102 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, चार्जिंग सेक्शन में पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST है ही नहीं, लेकिन फिर भी जब इन्होंने ऊपर ये सेक्शन लिखा, चार्जिंग सेक्शन लगा रहे थे, तो क्या लिख रहे थे कि CGST लगेगा ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और, अगर ये इसे लिखकर छोड़ देते तो क्या ये एक्ट संविधान को ओवर रूल नहीं कर जाता, क्योंकि शराब गुड्स है या नहीं है। और जब आपने यहां पर लिख दिया तो यहां पर लिखने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहां पर लिखने का मतलब क्या हो गया कि तुमने शराब पे भी, तो तुम इतने बड़े हो गए कि तुम संविधान को ओवर रूल कर दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं बाबूजी, गलती हो गई, हम लिख तो रहे हैं एक्सेप्ट, क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर हुआ? अब लाइनर है संविधान के साथ, लाइनर है ये वाला सेक्शन या नहीं, दोनों पैरेलल है ना, ठीक है। अब इन्होंने कहा लगेगा GST तो किस पे लगेगा, ऑन द वैल्यू डिटरमाइन, क्या बोला जी, ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। तो जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, सेक्शन 15। किसका सेक्शन 15, IGST का, CGST का। जब तक कुछ ना बोलू तब CGST, ठीक है, और जब कुछ स्पेशल बोलूंगा तो IGST, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलो तो आ जाओ भाई, तो सेक्शन 7, अब यहां पर कंफ्यूज मत हो ना, सेक्शन 7 CGST का किसकी चीज के लिए, स्कोप ऑफ सप्लाई के लिए। सेक्शन 7 IGST का किसके लिए, इंटर स्टेट और इंट्रा को बताने के लिए 7 और 8 है, ठीक है। तो मैं पहली क्लास में ही तुम्हें इतना कंफ्यूज कर दूंगा, ठीक है, कि तुम फिर बाद में कंफ्यूज हो गए ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमें जब इसी के साथ खेलना है तो पहले थोड़ा इससे रूबरू हो जाएगा। तो सेक्शन 7 किस चीज का, स्कोप ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ या नहीं? बोलो जी, क्योंकि मैं यहां पर बोलता सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई का है, तुम बोलते सेक्शन 7 इंट्रा स्टेट सप्लाई का है, तो गड़बड़ हो जाती ना। तो हमने वो IGST में, किसमें, वो IGST में। क्लियर है? अब इसके बाद है सेक्शन 8। क्या जी? सेक्शन 8 किस चीज का है? कोई अमेंडमेंट नहीं आई, पहली बात तो खुशी है। कोई इसका रूल नहीं है, ये खुशी है, ठीक है। कोई इसका फॉर्म नहीं है, ये खुशी है, ठीक है। तो क्या होगा कि कई बार क्या होगा ना कि हम दो चीजें दे रहे, भाई आपको सर्विस भी दी, जो पेन ड्राइव आपने ली, ठीक है ना, इसमें एक तो है कि सर्विस दी, एक साथ में क्या है कि पेन ड्राइव भी आई, तो गुड्स भी आ गया और सर्विस भी, ठीक है। कई लोगों को बुक्स भी मिली तो नोट्स भी आ गए, चाहे सॉफ्ट कॉपी में आए, कई लोग हार्ड कॉपी में। तो हो सकता है कि ये क्या हो, कंपोजिट सप्लाई, क्या हो, या मिक्स सप्लाई। क्या जी? जैसे AC परचेज करते हो, AC वाला AC लगा गया, साथ में सर्विस भी दे रहा है। तो यहां पर एक टर्म यूज होता है कि भाई कंपोजिट सप्लाई और
मिक्स सप्लाई, तो उसकी टैक्सेशन कैसे हो, उसका टैक्सेशन कैसे हो, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8। तो जब भी तुम्हें लगे कि एक से ज़्यादा गुड्स और सर्विस है तो वो सेक्शन 8 बताएगा। क्लियर है या नहीं, बोलो। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सेक्शन 9 क्या है, इसे यहां पे लिख लो, चार्जिंग सेक्शन। क्या लिखो, क्या लिखो, चार्जिंग। ठीक है, अब इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन से लग गया जीएसटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता है जीएसटी में एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। क्या है जी, वो स्कीम क्या होती है, लॉलीपॉप। क्या होती है, लॉलीपॉप, कि भाई लोगों को लो टफ लग रहा है तो एक स्कीम लाओ, जिससे कि स्कीम का मतलब ही स्कीम होता है, स्कीम का मतलब क्या होता है, कुछ फायदेमंद, है ना। तो इसलिए इन्होंने सेक्शन 10 में क्या बनाई, एक स्कीम। तो भाई ये ना एक अलग से ही चैप्टर है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो ये देख रहे हो पूरा सेक्शन 10 है, इसके अंदर रूल्स भी हैं। कितने रूल्स हैं, 3 से लेकर 7 तक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ रूल 6 में चेंज हुआ या रूल 6 ये कहता है, तो तुम्हें क्या समझना है, कंपोजिशन। तो भाई देखो, पहले मैंने आपकी एक बड़ी बाउंड्री बनाई और अब मैं क्या बना रहा हूँ, बाउंड्री को छोटे छोटे प्लॉट। तो जब मैं बात करूँ कि भाई ये बात कंपोजिशन की हो रही है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कौन से सेक्शन पे हो रही है, 10 पे हो रही है। और अगर इससे संबंधित कुछ बात करनी है तो रूल्स कौन से है, 3 से 7। अरे पहला और दूसरा तो ऊपर ही पहुंच गए थे ना, क्लियर हुआ। देखो मैं ये अपनी सहूलियत के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँ सेक्शन 16 तो अपनी बुक का पहला पेज देख लेना कि 16 किसकी बात कर रहा है, मुझे बताना ना पड़े ITC। जब मैं बात बोलूँ सेक्शन 10 कंपोजिशन, जब मैं बात बोलूँ रूल 7 मतलब कंपोजिशन का ही रूल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी बाउंड्रियाँ बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या है कि GST लग गया। अब GST सब पे लग गया, लग गया या नहीं, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ने क्या लिखा, गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ किसे छोड़ा, एल्कोलिक, किसे छोड़ा, सिर्फ एल्कोलिक लीकर को छोड़ा, ठीक है ना, वो भी ह्यूमन कंजम्पशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने तो हॉस्पिटल पे भी GST लगा दिया। अब भाई हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, हार्ट अटैक आया मान लो, ठीक है मान लो सच्ची मुचनी, ठीक है, अब हार्ट अटैक आया तो मैं चला गया वेदांता वगैरह में, ठीक है, उन्होंने मेरे को बिल दिया, बिल था 10 लाख प्लस में GST 18%, मुझे दोबारा हार्ट अटैक आ गया। ठीक, उस 10 लाख पे नहीं आया हार्ट अटैक, किस पे आया, 18% पे। और हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट कह दे कि भाई हार्ट अटैक तो बड़े आदमियों को ही आता है, लग्जरी आइटम है, छोटे मोटे को आता नहीं, तो 28 ही लगा दो। तो मैंने कहा देखो गवर्नमेंट ऐसा मत करो यार, ये हॉस्पिटल की सर्विस है, मैं शौक में आया था यहाँ पे ऑपरेशन कराने, ये तो मेरी मजबूरी है। हार्ट अटैक तो अंबानी को भी आ सकता है, किसी गरीब को भी आ सकता है, तो क्या इस पे GST लगना चाहिए, हाँ क्या लगना चाहिए, तुम बताओ। चलो अभी हमने क्या पढ़ा था, GST सूरज लगाता है, कैसे लगाता है, और फिर उसके बाद हमने राम जी का धोवा पढ़ा था, ठीक है, और फिर राम जी का धोवा पढ़ा था हमने, ठीक है। क्या ये, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हॉस्पिटल की सर्विस है इस पे GST नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये गरीब भी ले सकता है और अमीर भी ले सकता है या नहीं है, है या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एग्जेम्प्ट करो, क्या करो, एग्जेम्प्ट करो। लेकिन अब अगर ये कह देते सारे हॉस्पिटल की सर्विस एग्जेम्प्ट, तो अब क्या हुआ, ठीक है ना, मेरे मार्केटिंग टीम ने बोला, मैंने पूछा सर आपकी पेन, हमारी पेन ड्राइव कम क्यों बिक रही है, सर आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती लोगों को, अब आप ना क्या करा लो, एक ना प्लास्टिक सर्जरी करा लो, आप अपनी नाक ना थोड़ी सी टेढ़ी करा लो, ठीक है ना, आपकी टेढ़ी है सीधी करा लो, इसे ना थोड़ी सी खुरचवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर चला गया वेदांता में, मैंने कहा देखो एक तो बाल मेरे लगा दो बढ़िया से, ठीक है, नाक मेरी ठीक कर दो, और इसके बदले में क्या ले लो, 10 लाख रुपए। तो अब ये क्या हो गई, ये लग्जरी सर्विस हो गई या मैंडेटरी, ये तो लग्जरी हो गई ना, है ना। तो उन्होंने कहा जब इसलिए हमने हॉस्पिटल को एग्जेम्प्ट नहीं करा, हमने लगाया, अब जिसे हमारी इच्छा होगी उसे हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट क्या करेंगे। तो इसलिए हमने एक अलग सेक्शन बनाया, क्या बनाया हमने, एक अलग सेक्शन बनाया, सेक्शन 11, क्या बनाया जी, और जिसे हमारी इच्छा होगी उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। तो ऐसी जितनी भी एग्जेम्प्शन आई है तो वो सेक्शन 11 में आई है।
तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है कि सेक्शन एग्जेम्प्ट क्या है, तो अब इसके लिए भाई रूल तो कोई है नहीं, लेकिन इसके लिए ढेर सारी क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन क्या मिलेगी, क्योंकि जब लॉ बनाओगे उस टाइम पे उन्होंने सारी सर्विसेज को, काफ़ी सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया होगा और समय समय के साथ चीज़ों को एग्जेम्प्ट करा होगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं? लेकिन वो सारी नोटिफिकेशन किस में आई होगी? सेक्शन 11 में, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के लिए उसके ऊपर उसका कोई पेरेंटिंग सेक्शन होना चाहिए। नोटिफिकेशन किसी एक सेक्शन को सपोर्ट में आती है, ठीक है? तो अगर किसी नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन आई है ऊपर पढ़ना, हालांकि तुम पढ़ते नहीं हो वो वाली चीज, उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है इन एक्साइज ऑफ द पावर ऑफ सेक्शन 11, इन एक्साइज ऑफ द पावर ऑफ सेक्शन 36, ठीक है, सेक्शन 47, इन पावर ऑफ द एक्साइज सेक्शन ये, तो वहां पर जितनी भी, जब भी कभी नोटिफिकेशन पढ़ो और वहां पर लिखा हो सेक्शन 11, तो समझ लेना किसकी नोटिफिकेशन है, एग्जेम्पशन की। किसकी एग्जेम्पशन? क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? क्लियर है? तो अब आपको पढ़ने में आसानी रहेगी या नहीं? चलो जी, अब आगे की बात करते हैं। आगे जीएसटी तो लग गया, ठीक है, पता भी लग गया किस किस पे लगना है, सब पे लगना है, और जिसे एग्जेम्प्ट करना है कहां से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेक्शन 11 से। और अगर कोई कंपोजिशन स्कीम की बात करेंगे तो कहां से करेंगे, सेक्शन 10 से। अब उसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ेंगे? कि जीएसटी लग गया, अब मैंने तुमसे कहा फीस, अब कई बच्चे कहते हैं, ठीक है, कब, कई बच्चे कहते हैं सर आप अपनी पेन ड्राइव भेज दो और हम कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। मैंने कहा ये अमेजन थोड़ी है, ये परस थोड़ी खरीद रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी करोगे। अब मैंने आपसे फीस हुई बात हमारी जो फेस टू फेस में हमारे पास आए, कई लोगों ने कहा सर 150 घंटे का कोर्स है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, बाद में दे देंगे फीस, हर संडे लेते रहना कुछ ना कुछ, है ना, हर संडे कुछ। मैंने कहा नहीं भाई, फीस चाहिए पहले। तो हमने क्या बोला कि ये फीस कब, क्या जी, ये तो हमने डिसाइड कर दिया कि 10,000 लेंगे, लेकिन कब लेंगे, लेकिन कब लेंगे, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो हमने इसकी फीस क्या ले ली, अभी आपसे पेन ड्राइव की फीस क्या ले ली, पहले ही। तो ये हमने लिखा है ना अपने लो में, तो ऐसे ही जीएसटी में कहीं लिखा होगा ना कि जीएसटी लगेगा, लेकिन लिया कब जाएगा। जैसे तुम्हें पता है सर्विस के केस में, जैसे तुम्हें पता है या आगे चल के पता चलेगा, सर्विस के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी लग जाता है, लेकिन गुड्स के केस में नहीं लगता। अच्छा, गुड्स और सर्विस का मीनिंग कहां पता लगाना है, डेफिनेशन में। कहां बताया ना, सेक्शन 252 गुड्स के लिए और 2102 सर्विस के लिए। तो जब हम गुड्स और सर्विस को पढ़ लेंगे तभी तो हमारे को माइंड में आएगा कि क्या गुड्स है क्या सर्विस। तो इन्होंने क्या बताया कि जब तुम गुड्स और सर्विस पढ़ लेना तो फिर हम तुम्हें बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बताएंगे? कि गुड्स के केस में कब जीएसटी गवर्नमेंट को देना है और सर्विस के केस में कब देना है। और ये दोनों बातें कहां लिखी होगी, सेक्शन 12 और ये टाइम टू टाइम अमेंड भी हुआ है, लेकिन इसके कोई रूल नहीं है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है गुड्स सर्विस के केस में और गुड्स के केस में नहीं लगता, तो मैं कौन से सेक्शन को पढ़ के बता रहा हूं, सेक्शन 12 और 13। क्लियर है? बोलो जी। अब सेक्शन 14। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई कि रेट में चेंज हो जाए, गवर्नमेंट ये कहने लगे कि भाई 1 अप्रैल 2021 से केजे क्लासेस की जो क्लासेस हैं उस पर 18% जीएसटी लगता था, अब लगेगा 5%। क्या लगेगा? अब तुम मेरा सिर फोड़ दोगे आके, कह रहे हमने तो अभी बैच में कितनी फीस दी है, 18% कितनी दी है, और हमारा तो बैच अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुए कुछ ही दिन हुए, कई लोगों ने आधी पैसे दे दिए आधे नहीं दिए, कई लोगों को इन्वॉइस नहीं मिला, है दिक्कत या नहीं? तो चेंज हो गया रेट, क्या हो गया? तो भाई उन्होंने कहा लड़ो मत, जब रेट चेंज होगा तो सेक्शन 14 बताएगा कि कौन सा रेट लगेगा। जब रेट चेंज ऐसे डेट्स के बीच में हो जाएगा तो सेक्शन तो ये हमारे ज्यादा काम का आएगा नहीं, ये कब पढ़ना है, जब रेट्स में चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम जब टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाएंगे तब उस टाइम पे ये पढ़ा देंगे थोड़ा आपको, ठीक है। तो अब आपको ना पहली क्लास से सेक्शन की गंभीरता पता होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन कितना गंभीर है। अच्छा, सेक्शन 15 किस चीज का है, वैल्यू अभी पढ़ाया ना, किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा वो तुम नहीं बताओगे, वो कौन बताएगा, सेक्शन 15। और भाई सेक्शन 15 ना, सेक्शन 15 के साथ साथ ये कहता रूल है, कितने रूल है देख रहे हो, 10-11 रूल है,
सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। अबे भाई अगर तुम कंप्लाइंस कर रहे हो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो थोड़ी पन्ना, तुम्हें तो बिल आया, बिल को एंट्री करा, GST R1 में चढ़ा दिया। लेकिन अगर तुम किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि जिस बिल पर GST लगा उसमें जो वैल्यू लिखी है वो सही है या गलत, वो वैल्यू सही है या गलत। भाई माल के साथ भाड़ा भी लगा तो भाड़े पे GST आएगा या नहीं आएगा, माल के साथ पैकिंग चार्जेस लगे उस पर GST आएगा नहीं आएगा, ये सारी कहानी कौन बताएगा? सेक्शन 15 रेड विद रूल्स। मैंने अपने भाई को माल बेच दिया, 1000 का माल था, 200 रुपए बेच दिया कि भाई GST कम लगे तेरे पे, तो कौन बताएगा? सेक्शन 15 रेड विद रूल्स। मैंने अपनी ब्रांच को माल बेच दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, किसी बच्चे ने कहा सर मेरे पे पैसे नहीं है, ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए ना अनाज लेकर आ जाऊंगा अपने घर से, मेरी परचून की दुकान है, मैं ना कपड़े लेकर आ जाऊंगा और मेरी ज्वेलरी की दुकान है, मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी ला देता हूँ, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो भाई इस केस में क्या होगा? तो ये सारी किस वैल्यू पर GST लगे कौन बताएगा? सेक्शन 15। अपनी तरफ से चौधरी मत बनना, कंप्लाइंस वालों को तो मतलब ही नहीं, वो पूछते हैं कभी, वो तो क्या कहते हैं जो बिल आए चढ़ाओ। लेकिन अगर आपको, अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे कि जो वैल्यू आपने लिया वो गलत है, तुमने 1 करोड़ पर GST दिया जबकि वैल्यू होनी चाहिए 2 करोड़, तो वो नोटिस भेजेगा, सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू निकालेगा, तो तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट हो गया या नहीं? हाँ, टाइम लगेगा नहीं लगेगा इसमें? तो कम से कम 2-3 घंटे लगाएंगे इसमें, ठीक है, एक क्लास। चलो अब उसके बाद भाई तुमने GST तो लगा दिया है ना, अब GST के अंदर क्या होता है? मैं ये मानकर चलो तुम्हें थोड़ी बहुत टर्म पता है, और अगर नहीं पता तो आज के ओवरव्यू के बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने क्लास ली हमसे, ठीक है, अब हमने उस पर क्या लगाया, 10,000 प्लस में GST 18%, ठीक है। अब आपने कहा सर इस क्लास को ना मैं अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं हूं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा सर मैं तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज कर रहा हूं ये क्लास। मैंने कहा हमारी क्लास से कैसे बिजनेस चलेगा? सर मैं तो बिजनेसमैन हूं और मैंने आपकी क्लास अपने बिजनेस को चलाने के लिए ली है, अपनी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ली है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बढ़िया है। तो अब जब हम 10,000 प्लस में GST लगा कर देंगे तुम्हारे GST नंबर पर, तो तुम्हें गवर्नमेंट कहेगी तुम इसका क्या ले लो, ITC, क्या ले लो, ITC, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपको हम ITC दे देंगे। तो भाई ITC इस GST की बैकबोन है, किसे ITC मिलेगा? अब अगर तुम्हें ITC मिल गया, ठीक है, मैं ITC का कंसेप्ट भी आगे चल के क्लास में बताऊंगा कि भाई लेट सपोज, मैं इसे छोटा सा एग्जांपल से लेकर चलता हूँ कि तुमने हमारी क्लास ली और तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो तुमने बिजनेसमैन में बेचते हो, लेट सपोज तुम सेल करते हो, तुमने सेल करी 100 रुपए की, ठीक है, या तुमने सेल करी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए की सेल करी और उसके ऊपर तुम्हारा GST लगा 18%, 18,000। यह तुम्हारी क्या थी? सेल। क्या थी तुम्हारी? अब इस सेल को करने के लिए तुम कुछ खरीद के भी लाए होंगे, तो परचेज करके लाए कितने रुपए का? 50,000 का सामान, और उस पर GST कितना है? 9,000। और तुमने क्या करा, कपिल जैन की KJ क्लासेस की पेन ड्राइव भी ले ली, कितने रुपए की? 10,000 रुपए की, और उस पर GST कितना दिया? तो एक तो तुमने गुड्स लिए और एक तुमने क्या ली? सर्विस। गवर्नमेंट कहती है क्योंकि तुमने ये सारी चीजें बिजनेस पर्पज के लिए, किसके लिए ली? जब खरीदा तभी तो बेचा। और पेन ड्राइव क्या बिजनेस के लिए यूज थी या नहीं थी? बोलो, थी या नहीं थी? थी ना, क्योंकि तभी तो वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो हम तुम्हें इसका क्या दे देंगे? ITC क्या दे देंगे? ITC। तो मतलब जो तुमने 18,000 रुपए ये किससे लिए होंगे? कस्टमर से। किससे लिए होंगे? तो कायदे से तो तुम्हें ये 18,000 ही वापिस करने हैं गवर्नमेंट को, लेकिन तुम 18 मत जमा करना। इस 18 को हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं जी? इसमें से हम तुम्हें ITC दे देंगे। क्या दे देंगे? ITC। कितना ITC दे देंगे? 9,000 प्लस में 18,000, कितना? अभी ITC तो अमृत हो गया भाई, इसने तो कमाल कर दिया कि कस्टमर से लिए कितने? 18 है, और गवर्नमेंट को देने कितने हैं? सिर्फ 10,800 माइनस करते हैं हम इसमें से, तो कितने बचे बताओ भाई? ठीक है, 7,000। तो अब ये तो व्यापारी कह रहा यार अगर मेरा ITC ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए? ITC ज्यादा आ जाए
तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, कस्टमर से लेता रहूंगा गवर्नमेंट को कुछ। तो इस व्यापारी ने क्या करा, धड़ल्ले से आईटीसी ले लिया सारा, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का। तो उन्होंने कहा ये आईटीसी दिवाली ऑफर नहीं है, इस आईटीसी के लिए मैं आपको बता दूं, इस आईटीसी के जो नोटिसेज हैं पूरे जीएसटी में सबसे ज्यादा है। कम से कम आईटीसी के नोटिसेज का रिप्लाई करते करते 5 लाख रुपए तो मैंने कमा लिए, सिर्फ किसके नोटिस का रिप्लाई करा, आईटीसी का। मैं कहता हूं, मुझे क्लाइंट कहता आईटीसी मिलेगा, डिपार्टमेंट कहता आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही डिपार्टमेंट आईटीसी खत्म करेगा तो डिपार्टमेंट को कितने मिलेंगे, 18, और जैसे ही आईटीसी बढ़ाएगा तो डीलर के मजे। तो ये डिपार्टमेंट में तनी हुई है और बिजनेसमैन में, डिपार्टमेंट कहता आईटीसी, अगर डिपार्टमेंट कहते कपिल जैन का आईटीसी नहीं मिलेगा तुम्हें, किसका नुकसान हो गया, बिजनेस का। तो यहां पर हर अकाउंटेंट को, हर प्रोफेशनल को अपने बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा आईटीसी दिलवाना है, ठीक है। अब कैसे दिलवाए, लॉफुली कैसे, और अगर तुमने अनलॉफुली दिलवा दिया तो क्या आएगा, नोटिस। तो भाई ये आईटीसी किसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वाली बात लिखी गई है सेक्शन 16, 17, 18, और इसके लिए रूल पढ़ने भर भर के, क्या करें, भर भर के। तो इसमें कम से कम जब हम आईटीसी पढ़ेंगे तो कम से कम लगाएंगे 10 घंटे, कितने घंटे, 10 घंटे, बैकबोन है ये, क्या है जी, बैकबोन। क्लियर हुई या नहीं, बोलो, ठीक है। और आईटीसी में ही 2 सेक्शन, ठीक है ना, 3 सेक्शन हो रहे, मैंने 2 अलग अलग डाले, एक तो डाला 16, 17, 18, ये तो बहुत पीक है, सबसे ज़्यादा 16, उससे थोड़ा सा कम 17, उससे थोड़ा सा कम 18, लेकिन ये जो 19, 20, 21 है इनकी भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, आईटीसी की है, किसकी है, आईटीसी की, कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ किस में जी, स्पेशल केसेस में। तो आईटीसी के कितने सेक्शन हो गए, बोलो भाई, 6, 16 से 21, ठीक है, लेकिन 3 बड़े 3 छोटे, ठीक है। इन बाकी के 3 सेक्शन को तो हम 2-3 घंटे में कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत इसकी लगे। बाकी आईटीसी के रूल्स भी बहुत ज़रूरी है, तो रूल्स भी करेंगे, फॉर्म्स भी तुमने देख लिए, क्लियर है मेरी बात या नहीं। लेकिन ये आईटीसी लाखों रुपए की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी एक्सपर्टाइज की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन पे, रिटर्न्स पे, आईटीसी पे एक्सपर्टाइज है। तो ऐसे आप एक सेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि एक्सपर्टाइज किस पे है, क्लियर है, चले आगे। अब भाई आईटीसी मिल गया, लेकिन एक मुद्दा ये आएगा तुम्हारे पास, सर थोड़ा सब लोगों के कंसल्टेंसी की बात बता रहे हो, कुछ दाल रोटी का गुजारा कंप्लाइंस से भी बताओ। मैंने कहा चलो, तो अब हम बात करते हैं कंप्लाइंस की। कंप्लाइंस में कौन से सेक्शन आते हैं, रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, करने से पहले ये तो देखना है कि किसे रजिस्ट्रेशन कराना है। अब तुमने अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए सबका रजिस्ट्रेशन करा दिया, गलत हो जाएगा ना यार। तो जिसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना हो उसका कैंसिल कराओ, जिसे जरूरत हो उसे रजिस्ट्रेशन दिलाओ। तो किसे रजिस्ट्रेशन कराना है, किसे नहीं कराना, और कराना है तो कैसे कराना है, ठीक है, और करा लिया तो अमेंडमेंट कैसे होगी, कैंसिल कब होगा, ये भी तो उसे बताना है। या किसी को आपने पिस्टल का लाइसेंस तो दे दिया, साथ में उसे बताओगे भी तो ये कैंसिल भी हो जाएगा कि अभी तुमने हवा में फायरिंग कर दी, तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो जब किसी को रजिस्ट्रेशन दिलाओ तो उसे ये मत बोलना कि भाई ये तेरा अमृत हो गया, उसे पहले बताओ कि तुम लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं, लायबल नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वॉलेंट्री लेना है तो ले लो, और लेना है तो कैसे लेना है, ये कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल हो गया तो रिवोकेशन कैसे करनी है, अमेंडमेंट कैसे फाइल करनी है। तो ये सारी बातें चलेंगी सेक्शन 22 से लेकर 30 तक, कहाँ से जी, 22 से लेकर 30 तक, और इसके रूल है भर भर के। रूल कहाँ से कहाँ तक है, रूल 9 से ले लो, ठीक है भाई, रूल 8 से, ठीक है, 8 से ले लो, कि फिजिकल ऑफिसर आएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो 22 से 30 अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, सेक्शन 25 किस चीज़ का है, तो तुम ये समझ जाना, पहली बार में इतना मत बताना, लेकिन इतना समझ जाना रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं अगर बोलूं कि रूल 18, क्या बोलूं जी, रूल 18, तो समझ जाना कि रजिस्ट्रेशन का ही कुछ ना कुछ लोचा है, समझ में आ गया। मैं ये बोलूँ कि रूल 21 के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे तो मैंने बोल ही दिया कैंसिल हो जाएगा, तो है किसका। अगर मैं आपको बोलूँ रूल 21 का नोटिस आया है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ मैटर रजिस्ट्रेशन का है, समझ गए, मेरा पर्पज समझ गए, हाँ। तो इसलिए मैंने आपको बाउंड्री बना दी।
तो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया 30 तक। हाँ जी, अब वो बात अलग है, 22 से लेकर 30 तक रजिस्ट्रेशन की बात करनी है हमें। देखो पहले हमने एक ब्लॉक क्लियर कर लिया, फिर इससे आगे जब चलेंगे तो फिर आपको सेक्शन भी याद होना चाहिए, 22 किसका 30 किसका, ठीक है। क्योंकि सर ये सेक्शन क्यों याद करा रहे हो? नहीं भाई जरूरी किस किस लिए, कंप्लाइंस वालों को कोई जरूरी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में एक परंपरा है, किस चीज़ की परंपरा है, कि जिस व्यक्ति की टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़, सामने वाला क्या समझता है इसे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, चाहे उसे कंप्यूटर ना आता हो कुछ भी, लेकिन क्या हो, टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। और जिस व्यक्ति को बात कर रहा हो सेक्शंस में, उसे क्या समझा जाता है? तो भाई देखो, मैंने तो जब जीएसटी शुरू करा था, ठीक है ना, तो मैंने तो सिर्फ क्या याद करे थे, सेक्शंस। और जब मैं सेक्शनों में बात करता था तो सब लोगों को समझते थे कि इसे बहुत नॉलेज है, तो मैंने तो अपनी पहचान यहाँ से बनाई। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो अपना वर्चस्व दिखाना तो सेक्शन याद करो, सेक्शनों में बात करो। आपने देखा होगा ना एडवोकेट्स वगैरह को सेक्शन में बात करते हैं, है ना, तो जब सेक्शन में बात करते हैं तो क्लाइंट को पता ही नहीं रहता, ठीक है, क्लाइंट को पता ही नहीं रहता है मेरी बात कर रहे। मैं गया किसी एक एडवोकेट के चैम्बर पे, उन क्लाइंट सामने बैठा हुआ है, अब वो सोच रहे हैं कि इससे फीस कितनी लूँ, उन्होंने सोचा अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ, लेकिन दोस्त को फ़ोन करके बोलूँगा तो सामने बैठा क्लाइंट कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने फ़ोन करा तो पता क्या बोले, अरे भैया यार एक व्यक्ति का ना 370 का केस आया हुआ है, ठीक है, 370 का केस आया हुआ है, अब बताओ क्या फीस लेनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया 50,000। क्लाइंट को पता नहीं किसकी बात कर रहा है। अब अगर वो बोलता कि भाई जी किसी क्लाइंट का मर्डर का केस आया हुआ है, ठीक है, या इसका केस है, वो तो समझ ही जाता है मेरे ही केस की बात चल रही है, समझ रहे हो या नहीं। तो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम तो कई बार क्वेरी, कई क्लाइंट बैठा होता है और उसे नहीं पता, तो अब हम अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं मैं कोई और डिस्कस कर रहा हूँ, और उसे नहीं पता उसी का केस चल रहा है। मैं कहता हूँ भाई सेक्शन इसमें आया हुआ है, इस सेक्शन का नोटिस है, और अगर क्लाइंट भी समझदार हो जाएगा तो उसे पता लग जाएगा। तो तुम्हें सेक्शन पढ़ने जरूरी है, याद रखने जरूरी। चलो जी 30 तक खत्म हो गए हमारे, है ना, बहुत सारे रूल्स हैं उसमें, है ना, तो टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन में। कम से कम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे भाई हम, कम से कम थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, चाहे प्रैक्टिकल तुम्हें आता भी हो लेकिन एक क्लास प्रैक्टिकल की करेंगे, है ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के कम से कम लगाएंगे 8 घंटे, 8 से 10 घंटे रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद एक कहानी आएगी इनवॉइसिंग की, किसकी, इनवॉइस कैसे इशू करना है, किसे इशू करना है, नहीं करा तो क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिफंड वाउचर क्या होता है, ये सारी कहानी सेक्शन 31 में आएगी। किसमें आएगी, रूल बहुत सारे, सेक्शन 1 और रूल बहुत सारे, ठीक है। ई इनवॉइसिंग किस पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना, तो ये सारी चीज सेक्शन 31 और सेक्शन 31A। 31A का मतलब क्या है, नया आया है, क्या हुआ है, नया आया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। तो जो भी इनवॉइसिंग की बात होगी कि गलत टैक्स ले लिया तो क्या होगा, ज़्यादा टैक्स ले लिया तो क्या होगा, फिर उसके बाद इनवॉइस का छोटा भाई बड़ा भाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो उसके लिए सेक्शन 34 की बात करेंगे, ठीक है, और उसके सामने उसका रूल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, इनवॉइस से रिलेटेड कभी भी कुछ करना है 31, क्लियर है जी। फिर इन लोगों को जो ये इनवॉइसेस वगैरह हैं कब तक संभाल के रखने, ये भी बात आएगी ना, क्या क्या संभाल के रखना है, कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने, तो ये 35 और 36 उसके लिए बढ़ लेंगे, छोटे से रूल से ये तो 2-3 घंटे में निपटा देंगे एक ही क्लास में, ठीक है, 1-1.5 घंटे का काम होगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स, भाई नई रिटर्न्स आ गई, QRMP आ गया, कहाँ से आया, अचानक से आ गया क्या, कुछ ना कुछ तो सेक्शन होंगे, ठीक है, GST R1 का सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट रिटर्न का सेक्शन, एनुअल रिटर्न का सेक्शन, तो 37 से लेकर 48 तक, कहां से जी, मैचिंग मिसमैचिंग, ठीक है, 37 से 48 तक सारे इसकी बात करेंगे, और रूल भी बहुत सारे इसमें भर भर के, तो कुछ रूल्स की बात करेंगे और 37 से 48, तो समझ जाना जब 37 से 48 की बात हो रही हो तो किसकी बात हो गई, रिटर्न्स की बात हो गई, किसकी बात हो गई, रिटर्न्स की बात, और कौन सी रिटर्न्स, अगर स्पेसिफिक जाना है तो यहां पर आ जाना, ठीक है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे तो हम 37 से 48 तक इसकी बात करेंगे, क्लियर है भाई। रिटर्न्स भर रहे हैं तो टैक्स की पेमेंट भी करनी है, करनी है नहीं,
भैया टैक्स की पेमेंट भी करनी है। तो जो टैक्स की पेमेंट कैसे होगी, सीजीएसटी से होगी, एसजीएसटी से होगी क्या, तो ये बात होगी सेक्शन 49 में। किसमें होगी? इसका रूल बना हुआ है तो रूल्स भी, ठीक है। अब क्या हुआ, टैक्स की पेमेंट नहीं करी तो ब्याज देना पड़ेगा या नहीं? हाँ जी, तो हाँ ब्याज देने की बात जो होगी वो सेक्शन 50 में होगी। किसमें होगी? 50 में, ठीक है। अब ये सेक्शन 49 में दो नए सेक्शन आए, 49A और 49। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है, ठीक है। तो अब हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि सेक्शन 49 तुम्हें पहले पढ़ा दिया फिर 49A और बी बाद में पढ़ा रहे, ऐसे नहीं। तो जब हम 49 पढ़ा रहे होंगे वहीं पर 49A और बी भी पढ़ा देंगे, तो जो तुम्हारा सीजीएसटी एक्ट होगा, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट होगा, फाइनेंस एक्ट होगा, वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं? लेकिन जिन लोगों ने पेन ड्राइव ली है, पुरानी जो ली है, ठीक है ना, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई कि जब जब अमेंडमेंट आई तब तब हमने बताया। लेकिन अब जो ये व्यक्ति ये लेक्चर देख रहा है नए वाले, उसमें सारी चीज तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएगी। क्लियर है? समझ रहे हो? इसीलिए ये कोर्स बड़ा हो गया। चलो अब इसके बाद ना हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस की। किसकी बात करेंगे? टीडीएस और टीसीएस जीएसटी में। किस में जी? जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस। सर ये तो हमने इनकम टैक्स में सुना था। मैंने कहा मुन्ना, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, कई बार मैं आपसे अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप 70 साल के हो, 60 साल के हो, ठीक है, और आप हाई प्रोफाइल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, तो मुझे एज ए टीचर समझ के माफ़ कर देना। कई बार मेरे से शब्द निकल जाते हैं। अब यहाँ पर तो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं मैं उन्हें संबोधित करता हूँ, तो कई बार अगर ऐसे शब्द निकल जाए तो मुझे अपना छोटा बेटा समझ के, भाई समझ के माफ़ कर देना। कोई ऐसा ना करना कि हम तुम पे FIR करेंगे या ये करेंगे। कई बार एक दो लोगों ने बोला तुमने ऐसी भाषा का उपयोग करा है हमारे लिए, तो हम FIR करेंगे। तो मेरा सिर्फ पर्पज आप लोगों को पढ़ाने का ये होता है कि आपको समझ आए चीज़ें, ठीक है। मेरा को किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी एज ग्रुप को, किसी को भी मतलब कि कहने का ये पर्पज नहीं होता कि किसी को ठेस पहुँचाना होता है। तो कई बार मैं एग्जाम्पल्स, मेरे एग्जाम्पल से या मेरे शब्दों से अगर तुम्हें ठेस पहुँचती है तो इसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा कि ये हमें कई बार, इनकी उम्र ही क्या है, ठीक है, नया लड़का हमें ये कहता है, तो इसे इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए तो सेक्शन 51 और 52 क्लियर हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो इनपुट टैक्स होता है ना, इसे गवर्नमेंट बांटती है, क्या करती है, अपने मतलब का नहीं है। तो सेक्शन 53 उसके लिए, किसके लिए होगा, तो हम इस सेक्शन को नहीं करेंगे और कभी हुआ तो थोड़ी बहुत देर के लिए बता देंगे। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्शन है, अपने को इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, ना कोई रूल्स है ना कोई है। तो जैसे 3, 4, 5, 6 नहीं बताए थे शुरू में, ये उसी में। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है टैक्स की पेमेंट ज़्यादा हो गई हो, तो भाई गवर्नमेंट ने कंसेप्ट बनाया रिफंड का। किसका बनाया? रिफंड का। तो होगा क्या कि भाई अगर रिफंड आपके बनते हैं तो इन सेक्शन के हिसाब से रिफंड मिलेगा। तो आप देख रहे हो इस रिफंड के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, क्योंकि रिफंड है तो गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं देगी। तो सेक्शन 54, 55, 56, 58 तक, मेन 54 है। मेन क्या है? मेन 54 है। हम आराम से एक क्लास लगाएंगे 3 घंटे की उसके ऊपर, ठीक है, और बाकी ये आप सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हो, छोटे छोटे सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो रिफंड्स की बात करेंगे। अब यहाँ तक आते आते इंसान थक जाता है, कहता अब तो छुट्टी कर दो, अब तो जाने दो। मैं कहता हूँ देखो, यहाँ तक अगर आप आ गए तो आप अपने कंप्लाइंस में अच्छे से काम कर लोगे और आपको महीने के 30, 40, 50 हज़ार रुपये बना लोगे अगर ये तुम यहाँ तक पढ़ लेते हो। क्योंकि तुम्हें सब कुछ आ गया या नहीं आ गया? रिटर्न आ गए या नहीं आ गई? रजिस्ट्रेशन आ गया या नहीं आ गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ आ गया या नहीं आ गया? टाइम ऑफ सप्लाई समझ आ गया या नहीं आ गया? है जी, पेमेंट ऑफ टैक्स आ गई या नहीं आ गई? अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आ गए या नहीं आ गए? तो तुम्हारी ज़िंदगी सफर गई यहीं तक। लेकिन अब इसके बाद जो सफ़र होगा वो कठिन होगा, और उसके बाद जो सफ़र होगा लिटिगेशन का होगा, कंसल्टेंसी का होगा, कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो क्या हुआ, गलत इनवॉइस इशू कर दिया तो पेनल्टी क्या लगेगी। तो आगे का सफ़र थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे असेसमेंट की। क्या जी भाई, जो रिटर्न तुमने फाइल करी उसमें गलतियाँ तो होंगी, और अगर वो गलती हमने पढ़ी पकड़ ली तो हम तुम्हारे असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? असेसमेंट। इसे टॉपिक बोला गया असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या कि जो तुमने रिटर्न फाइल करी उसे तो बोला सेल्फ असेसमेंट। क्या जी? तुमने जो दिया हमने मान लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करी, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, उन्हें नोटिस भेजेंगे, अपनी इच्छा से बना देंगे तुम्हारी सेल कितनी है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके यहाँ छापा मारा तो क्या हुआ?
तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, असेसमेंट क्या हो गई। तो आपको इस ये जो सेक्शन 61 है ठीक है, और सेक्शन 62 के बहुत नोटिस मिलेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करी है तो असेसमेंट होगी और गलतियां हुई, 3B से 1 मैच नहीं हुआ ठीक है, 2B से ये मैच नहीं हुआ। तो ये असेसमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा, इसके रूल्स नहीं पढ़े, इसके ये फॉर्म्स नहीं पढ़े, तो आप उन नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाओगे, उन नोटिस में कमियां नहीं निकाल पाओगे। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए अगर आपको ये करना है तो असेसमेंट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, असेसमेंट के बाद होगा ऑडिट, कि डिपार्टमेंट के पास पावर है तुम्हारे ऑडिट करने की। अब ऑडिट उसने करा, ऑडिट करने के बाद अपनी शब्दावली दे दी, या तो उसने डिमांड निकाली उस ऑडिट में, वो जमा कर दो, नहीं तो तुम भी ये सेक्शन पढ़ो और पहले देखो कि इन सेक्शनों में है क्या, गवर्नमेंट गलत तो ऑडिट नहीं कर रही ठीक है। और अगर आप डिपार्टमेंट के आदमी हो तो ये तो सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां से जो काम हो जाता है, ये लिटिगेशन का और डिपार्टमेंट और आपकी लड़ाई का काम है, जिसे ज्यादा नॉलेज होगी वो जीतेगा। अगर ये सारे सेक्शन डिपार्टमेंट पढ़ लेगा तो वो नोटिस भेजता रहेगा, और तुमने पढ़ा तो तुम उस नोटिस का जवाब देते रहोगे। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो अब क्या है, ऑडिट क्या है, तो दो सेक्शन हम पढ़ेंगे ऑडिट के ठीक है। इसके बाद आ जाता भाई ठीक है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट। हालांकि हमारा इस लेवल तक नहीं है, तो हम शायद ये वाले दो, ये जो 67 है, ये सेक्शंस ना करें, टाइम लगा तो इसे देखेंगे ठीक है, कि भाई सर्च एंड सीजर ठीक है। मैंने क्या बोला कि जितने हमारे बहुत एक नॉर्मल केस में वो करेंगे ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, सेक्शन 68, कि जब तुम्हारे माल को रस्ते में पकड़ा गया, रस्ते में जा रहा था, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो ई वे बिल की कहानी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ई वे बिल के बात करेंगे, जिससे सेक्शन 68 लिंक है ठीक है। भाई रस्ते में माल जा रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, पहली क्लास में कोई वर्ड टफ तो नहीं लग रहे ना, हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब GST थोड़ा बहुत तो करके आए होंगे ठीक है ना। लेकिन अगर जिन लोगों को वर्ड्स अलग लग रहे हो, नए लग रहे हो, टेंशन मत लेना, सिर्फ मैं आपको पूरा GST फर्स्ट क्लास में दे रहा हूँ, तो तुम्हें शब्दों का पता होना चाहिए कि जब माल जाता है रस्ते में तो कुछ पेपर चाहिए होते हैं साथ में। अगर कुछ पेपर आप नहीं लेके गए, जैसे ई वे बिल, हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं, बिल करते हैं, तो आपकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, तो उसकी सारी कहानी सेक्शन 68 इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल इंपॉर्टेंट है। तो रूल इसका पढ़ेंगे हम ई वे बिल की क्लास में ठीक है जी। फिर इसके बाद सेक्शन 69 आ जाएगा, पावर अरेस्ट करने की। तो अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसकी बातें होगी, हम इस सेक्शन को नहीं करेंगे, अगर देखेंगे तो 3-4 लाइन का रीड कर लेंगे। हाँ, एक सेक्शन 70 हम अपने कोर्स में कराते हैं। सेक्शन 70 क्या है, आजकल लोगों को ना सम्मन आ रहे, क्या रहे, सम्मन, बुलावा, चलो बुलावा आया है ठीक है, GST ऑफिसर ने बुलाया है ठीक है। तो वो GST ऑफिसर सम्मन बुलाता है कि मुझे कुछ शंका लगी, तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आ जाओ। कई लोग जाते नहीं है, डर जाते हैं। तो अगर सम्मन पे गए तो क्या करना है, कैसे उनका जवाब देना है, तो हम संबंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है ठीक है। और बहुत सारे संबंध आ रहे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है, संबंध आए तो डरना नहीं है ठीक है, जाना है, और कैसे आपको चीज़ें देनी है। तो सेक्शन 70 आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर सकते हो। 71-72 हम नहीं करेंगे, आपको करना है तो कर लेना, कि बिजनेस प्रमिसेस में एक्सेस की ठीक है ना, ये सारी चीज़ों की बात उसमें है। हाँ, अब आ जाओ। अब ऑडिट हुआ, तुम्हें सम्मन भेजा, तुम्हारी प्रीमिसेस को सर्च करा, तुम्हारी स्कूटनी करी रिटर्न्स की, अब हमें पता लगा कि तुम पे डिमांड होती है। क्या होती है, डिमांड। तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में डिमांड हम लगाएंगे, तो ये सेक्शन दो हम जरूर करेंगे, सेक्शन 73 और 74, कि सेक्शन 73 में कब डिमांड होती है, 74 में कब होती है। क्या पता ऑफिसर 74 में लगा दे, 74 में पेनल्टी ज़्यादा है, 73 में पेनल्टी कम है। तो कब 74 में लग सकती है, कब 73 में ठीक है। तो 74 के नोटिस को कैसे 73 में कन्वर्ट कराना है, ये बातें करेंगे। जब वो डिमांड लगाते हैं तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है, तो जो सेक्शन 75 बात करता है ठीक है ना जी। फिर उसके बाद डिमांड होने के बाद तुम पैसा नहीं करते तो नोटिस आ जाता है रिकवरी का, किसका आ जाता है, रिकवरी, कि इससे रिकवर करो पैसा। डिमांड लगा दी, लेवी हो गई डिमांड, अब कलेक्ट करो, तो कलेक्ट की बात कब आएगी, रिकवरी की। तो सेक्शन 79 में रिकवरी की बात करेंगे। फिर इसमें एक सेक्शन 77 है, बीच में कभी पढ़ेंगे हम ठीक है ना, कि गलत टैक्स जमा हो गया, CGST का IGST जमा हो गया, IGST का CGST जमा हो गया, तो क्या होता है ठीक है। तो रिकवरी कैसे, कब रिकवरी हो सकती है, रिकवरी में क्या क्या होना चाहिए, तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी के नोटिस आ रहे हैं आजकल ठीक है। चलो, तो डिमांड हो गया, फिर क्या हो गया, रिकवरी, देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे रूल्स हैं है ना, तो ये सारे रिकवरी ठीक है जी।
फिर उसके बाद क्या है ना, कुछ सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई जैसे कि टैक्स को इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, ऐसा भी लॉ में प्रोविजन है। तुम्हारे पास 10 करोड़ की डिमांड आ गई, अब तुम कह रहे हो कहाँ से लाऊं, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं तू दे दे किस्तों में दे दे। क्या दे दे? अब एक क्लाइंट ने कहा, अब किसी ने वीडियो सुन ली पूरी, उसने कहा मैं तो 3B का टैक्स भी किस्तों में दूंगा। ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये नहीं ना, तो सेक्शन 80 पढ़ के बताना पड़ेगा कि कब हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? है ना भाई, ये 3-4 सेक्शंस मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, कभी देखेंगे तो पढ़ा लेंगे, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं देता। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं कि जब किसी की डिमांड आती है तो पहले टैक्स किस पे लगेगा, वो सारी चीज़ों की बात करते हैं। सेक्शन 83 मैं आपको कराऊंगा जरूर, प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि ये व्यक्ति भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी को पहले ही अटैच कर लो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये वाले जो सेक्शन है 85-94, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग व्यक्ति की लाइबिलिटी होती है, तो दो दो चार चार लाइन के सेक्शन हो गए, कोई रूल नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता है? तो ये आपको अगर नॉलेज होगी तो खुद पढ़ना। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद हम एडवांस रूलिंग की बात करेंगे। एडवांस रूलिंग क्या होती है? एडवांस रूलिंग ये होती है, तुम बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई इस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा, तुमने पूरा GST एक्ट पढ़ लिया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि तुम ना एडवांस में आओ हमारे पास और हमसे पूछो। ठीक है, तो क्या होता है उसे हम बोलते हैं एडवांस रूलिंग। क्या बोलते हैं? तो एडवांस रूलिंग कैसे लेते हैं, किस पर एप्लीकेबल होती है, ये सारी बात किसमें करेंगे? एडवांस रूलिंग। तो कई बार तुम्हारे को ना कहीं लिखा होगा कि AAR का डिसीजन है। क्या है? कई बार पढ़ोगे तुम गूगल पे AAR का डिसीजन है। तो क्या है AAR का मतलब? क्या है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का डिसीजन है। ठीक है, अथॉरिटी फॉर, तो इससे क्या होता है, हिंट मिल जाता है। क्या इससे क्या मिल जाता है? हिंट मिल जाता है कि फलाना स्टेट में फलाना स्टेट की अथॉरिटी ने ये डिसीजन दिया है, तो उस स्टेट में लोग बाग समझ जाते हैं कि हमें कैसे करना है, कि इसी के हिसाब से। क्या जी? वो सारी बातें कब करेंगे? जब एडवांस रूलिंग को पढ़ेंगे। किस पे एप्लीकेबल होगा वो डिसीजन, किस पे नहीं होगा? ठीक है, तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना? लेकिन कुछ क्लाइंटों में काम आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इसलिए पढ़ाऊंगा कि कई बार जब तुम्हें पता लगे कि AAR ये लिखा है तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये है क्या। तो अगर आपको कोई क्लाइंट बोले मेरी एडवांस रूलिंग ले लो, तो वो भी बताएंगे कैसे ली जाती है, किस मुद्दों पर ली जाती है। ठीक है ना, अब ऐसे नहीं कि मेरी बीवी नाराज हो रही है कि एडवांस रूलिंग दो मुझे, ठीक है ना, कि इसे कैसे खुश करो। ठीक है ना, तो उस पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे GST के भी कुछ मुद्दे हैं। ठीक है, कभी कहने लगो मुझे GST समझ नहीं आ रहा, उसकी एडवांस रूलिंग दो, तो यहाँ पर कुछ मुद्दे डिसाइड है जिस पे एडवांस रूलिंग ले सकते हो। फिर क्या हुआ भाई, अब उसके बाद आ जाता है कि भाई डिपार्टमेंट और हमारी लड़ाई हो रही है, हम कह रहे हैं हमसे ही है, GST ऑफिसर कह रहा हमसे ही है। तो अब उसके बाद अपील। क्या जी? अपील। अपील कैसे करनी है, कब करनी है? ठीक है ना, तो हम बात करेंगे अपील्स की। किसकी बात करेंगे? ये वाली अपील्स की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी जो अपील्स की बात होगी, अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की अपील की बात नहीं करेंगे, मात्र सिर्फ हम एडवांस रूलिंग करके आपको बता देंगे। हम अपील की बात किसकी करेंगे कि भाई अगर ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया हमारे अगेंस्ट, ठीक है, तो हम उसकी अपील कैसे करें। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी पे कैसे करें, कैसे अपील होगी, प्रैक्टिकल फाइलिंग करके बताएंगे और साथ में थ्योरी भी बताएंगे कि अपील फाइल करने से पहले कितना पैसा चाहिए होता है, कितने % जमा करना होता है, ये सारी बात। सर सारी अपील बताओगे? अबे भैया नहीं। ठीक है, हम आपको फर्स्ट अपीलेट बताएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में अपील कैसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करनी है, तुम्हें करनी होगी तो तुम पढ़ लेना। इस कोर्स में हम आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं बताएंगे। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं? इसके ये सेक्शन और रूल्स है वो पढ़ लेना। ठीक है, समझ आई या नहीं? लेकिन अपील हम टच करेंगे कि अपील कैसे करनी है, कैसे होती है, प्रैक्टिकल फाइलिंग बताएंगे। लेकिन तुम कहो सर अपील के सारे सेक्शन बता दो, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद तुमने कोई ऑफेंस करा तो पेनल्टियां तो लगेंगी, तो कौन से सेक्शन में कौन सी पेनल्टी लगेगी? तो सेक्शन 122 जरूर कराएंगे, सेक्शन 125 जरूर कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ पेनल्टी के सेक्शन भी आपको कराएंगे। सारे सेक्शन पढ़ने तो यहां पेनल्टी के सेक्शन ही
ठीक है, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन अब खत्म हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना। सर क्यों नहीं करना? ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब क्या था कि जब वैट से जीएसटी में आए थे, जब सर्विस टैक्स से जीएसटी में आए थे, तो अगर किसी का वो कोई केस चल रहा हो तो भाई वो ये चीज कर लेना, ठीक है। हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि किसी 1-2% के लिए, देखो ये जो कोर्स डिजाइन है ये उस उन लोगों के लिए जो 90% लोगों को कवर अप करे। अब भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति को अपील करनी है, सर आप बता दो, नहीं, क्योंकि मेरा जो 99% यूजर है वो फिर उसमें डिस्टर्ब होगा, फिर वो कोर्स 300 घंटे का हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कोर्स उनके लिए नहीं है कि जिसमें सारा कुछ, लेकिन इस कोर्स से आपका 90-80% पर्पज कवर अप हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति का ट्रांजिशनल प्रोविजन का केस है, ट्रांजिशनल प्रोविजन मतलब कि वैट से सर्विस जीएसटी में आए, सर मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है, आप पढ़ाओ ये सेक्शन। नहीं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि अब तो वो सारी चीजें खत्म। ये बैच अगर मैं 2017 में पढ़ा रहा होता तो मैं इसे जरूर पढ़ाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद क्या, मिसलेनियस बातें करेंगे। मिसलेनियस बातें, कॉमन पोर्टल क्या होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, जॉब वर्क प्रोसीजर क्या होता है, ये वाली बातें करेंगे। सेक्शन 150 को यूज करेंगे, सेक्शन 149 को यूज करेंगे, सेक्शन 155 को यूज करेंगे, ठीक है, सेक्शन 163 को यूज करेंगे, सेक्शन 148 को यूज करेंगे, लेकिन सारे मिसलेनियस प्रोविजन नहीं कराएंगे। लेकिन इसमें से जो सेक्शन हमारे यूज के होंगे, जो जो मैंने आपको अभी बोले, वो हम सेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स करेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, एंट्री प्रॉफिटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बड़ा सेक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देंगे कि एंट्री प्रॉफिटिंग क्या होता है, ठीक है जी। एंट्री प्रॉफिटिंग का मतलब बस थोड़ा सा ये समझ लो कि जब जीएसटी आया, जब जीएसटी आया तो आईटीसी मिला सबको, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। पहले क्या होता था कि सबको आईटीसी नहीं मिलता था। अगर मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, अगर मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे वैट की चीज़ों का आईटीसी नहीं मिलता था, तो आईटीसी कम था, तो जीएसटी में आने से आईटीसी बढ़ गया। तो क्या हुआ कि बिजनेसमैन की जो कॉस्टिंग कम हो गई, क्या हो गई? कॉस्टिंग कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा जब तुम्हारी कॉस्टिंग कम हो गई, जब तुम्हारी कॉस्टिंग कम हो गई तो प्राइस भी कम कर लो, आगे पास ऑन कर दो। क्या कर दो? आगे पास ऑन कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी कॉस्टिंग किस वजह से कम हुई है? जीएसटी की वजह से। किसकी? जीएसटी की वजह से। लेकिन अगर कोई बिजनेस ओनर ऐसा नहीं करता है तो उसे एंट्री प्रॉफिटिंग बोलते। क्या बोलते? ठीक है कि करा किसी ने, मजे तुम ले रहे हो, ठीक है। तो हमारे मुद्दे का नहीं है तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको पढ़ना होगा तो भाई ये इतने सारे रूल और ये पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे ये तीन सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे है नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम 174 सेक्शंस का सफ़र, जिसमें अगर आपने देखा हो तो मोटा मोटा हम 90-100 सेक्शन से ज़्यादा करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? सर आईजीएसटी के भी बता दो 25 सेक्शन, कन्फ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। चलो मोटे तौर पे कर लो भाई, सेक्शन 1 और 2 तो वही हो गया, सो टाइटल एंड कमिशमेंट, ठीक है, 3 और 4 वही हो गया अपॉइंटमेंट। अब ये सेक्शन सीजीएसटी से कंपेयर करना, जैसे सीजीएसटी का चार्जिंग है, सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? 9, ऐसे ही आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है 5। तो इसके सामने लिख सकते हो, ठीक है, इसके सामने क्या लिख सकते हो? सीजीएसटी का 9। तो जब मैं सीजीएसटी का 9 पढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें उससे सारा 90% मैच करता है। ये सेक्शन 6 किसके बराबर है? सेक्शन 11 एग्जेम्पशन है जी। 7 और 8 तो मैंने तुमसे वादा करा ही है पढ़ाने का। सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जब आईजीएसटी पढ़ा रहे होंगे 7 और 8, ठीक है, कि मतलब जो गोवा वगैरह वाले होते हैं समुद्र के पास पास, तो उस टाइप के लिए टेरिटोरियल वाटर के लिए। हाँ भाई, एक बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बताना है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे डिसाइड होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पर डिसाइड होता है कि आईजीएसटी लगेगा सीजीएसटी। तो इसके लिए भाई ये 4 सेक्शन बहुत जरूरी है। क्या है जी? 10, 11, 12, 13। तो इस पर भी हम कम से कम 3 या 6 घंटे लगाएंगे, 4 से 5 घंटे तो लगने ही लगने हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे। किस पे जी? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब भाई अगर कोई व्यक्ति, एक कंसेप्ट होता है OIDAR, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। अगर किसी का स्पेसिफिक हो ऑनलाइन डेटाबेस रिट्राइवल सर्विस, वो अपना खुद पढ़ लेना सेक्शन 14, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के केस में ना कुछ अलग से प्रावधान है, तो सेक्शन 15 ये हम पढ़ाते हैं, ठीक है,
ये हम आपको पढ़ाएंगे। फिर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट की जो बात करते हैं ना एससी जेड की, तो ये सेक्शन 16 में होती है। किसमें होती है? सेक्शन 16 में, ठीक है, ये हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 17, जैसे वहां पे पढ़ा था ना आपने सेक्शन 53 सेटलमेंट का, किसका जी? सेटलमेंट का। तो यहाँ पे सेक्शन 17 है। अब सर ये तो हमारे काम का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक क्लाइंट का केस कर रहा था नागालैंड का, तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने क्या करा, क्लाइंट की पेमेंट रोक ली, 5 करोड़ की पेमेंट, कि मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं मिला। तो जब उसका रिप्लाई बनाने लगे तो हमें सेक्शन 17 का ध्यान आया। तो ये वाले सेक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप उस लेवल की कंसल्टेंसी या वर्क करते हो तब आपको ये काम आ जाते हैं। अब सेक्शन 17 मैंने 50 बार थोड़ी पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने तब उस सेक्शन को रेफर कर लिया। क्लियर है जी? हाँ, 17-18 सेक्शन 19 के सामने लिख लो, सेक्शन 77 जो CGST का है, सेक्शन 77। सर क्या मतलब? मैंने आपको बताया था CGST की जगह IGST चला गया, IGST की जगह CGST, तो उसके बारे में बताया गया क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग थक गए, अरे यार थक गए, तो इन्होंने सेक्शन 20 लिखा। क्या लिखा जी? और सेक्शन 20 में क्या लिखा कि जो CGST के सारे सेक्शन है वो सारे के सारे इसमें भी अप्लाई होंगे, ठीक है। क्या लिख दिया? सेक्शन 20 में जो मेन मेन सेक्शन थे वो अलग बना दिए, और सेक्शन 20 में क्या लिख दिया? CGST के सारे सेक्शन यहां पर अप्लाई होंगे। फिर बाकी के ये बाकी 2-4 सेक्शन है। अब जैसे पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, वहां पर जाओगे तो वहां पर सेक्शन 164 में लिखा है, यहां पर किसमें लिखा है? सेक्शन, ठीक है, 22 में। तो ये लगभग उसी के हैं, ठीक है। जैसे वहां पर ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी सेक्शन 172 में लिखा है, ठीक है, तो हम ये वाले सेक्शन भैया नहीं करेंगे, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट के सेक्शन है वो हम करेंगे। तो क्लियर हुआ जी आप लोगों को कि हम क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे? हाँ, आज की वीडियो का पर्पज समझ आया? आज की वीडियो का पर्पज ये था कि आपको एक पूरी इंट्रोडक्शन देना, और अब आप अनजान न रहें। अगर आपको कोई भी चीज़ समय से पहले पढ़नी है तो आप ये सेक्शन से पढ़ लें। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने पहली क्लास में ही दे दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, अपना चार्जिंग सेक्शन यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन के चैप्टर पे मूव करेंगे। चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन के पे मूव करेंगे, ठीक है। जो क्लास हमने कराई उस क्लास को आप रिवाइज करो, जो जो चीज़ें आपको पहले से पढ़नी है वो उसमें पढ़ो, या जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो आप घर से रिवाइज करो, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? अगर आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपकी पेन ड्राइव नहीं चल रही है, ठीक है, या आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर करें, लेकिन अपनी प्रोफेशनल क्वेरी को ना भेजें, क्योंकि प्रोफेशनल क्वेरी का अलग कंसेप्ट है। इस पेन ड्राइव सेशन में हम सिर्फ आपकी पेन ड्राइव से रिलेटेड ही क्वेरी लेते हैं। जो जिस व्यक्ति ने क्लास पूरी देखी है, अब आप समझ लें कि 150 घंटे में उसे क्या क्या पढ़ना है, और क्लास को पूरे देखने पर ही मजा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। आपको सारी चीज़ें नॉलेज करनी पड़ेगी, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं करना उस टॉपिक को आप छोड़ दें। हालांकि हमने कुछ टॉपिक जो ज़रूरी नहीं थे वो हमने पहले ही मना कर दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ आया तो पूरी पेन ड्राइव को देखना, और अगर आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, या आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारी मैगजीन है, चाहे वो हमारा मैगजीन के साथ साथ मेंबरशिप प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत है, हमारा एक नंबर ये है। एक दूसरा नंबर और दे देते हो, अगर आपको ये नंबर बिजी मिलता है तो आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, 3 घंटे मेरे साथ रहने के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।